अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से केक पीएचपी के इस क्रैश कोर्स में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस क्रैश कोर्स में हम 1 आवर प्लस मिनट्स में, मतलब प्लस 1 आवर में इस केक पीएचपी के क्रैश कोर्स को सीखेंगे। और इसमें मैं आपको कम्प्लीटली एक सिंपल कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाकर दिखाऊँगा, जिसमें के ज़रिए हम रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं, मतलब कंप्लीट क्रड ऑपरेशन। इसके अलावा मैं कुछ केक पीएचपी की आपको बेसिक्स भी बताऊंगा, केक पीएचपी को इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं वो भी बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस प्लस 1 आवर क्रैश कोर्स को कम्प्लीटली ज़रूर देखेंगे, एटलीस्ट एक दफ़ा इसको ऑनलाइन ज़रूर देखिए, उसके बाद बेशक आप इसको डिलीट कर लीजिए। तो इसी बात के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस केक पीएचपी 4 के क्रैश कोर्स को और सीखते हैं किस तरीके से हम क्रड ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं इन केक पीएचपी 4। तो यहाँ पर कुछ मैंने स्लाइड्स आपके लिए क्रिएट किए हैं टू एक्सप्लेन केक पीएचपी 4 के केक पीएचपी 4 क्या है और किस तरीके से काम करता है। तो चलिए इन स्लाइड्स को देखते हैं सबसे पहले। सो केक पीएचपी क्या है? केक पीएचपी हमारे पास एक वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जो कि पीएचपी 7.4 पर भी रन होता है, और मिनिमम उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पीएचपी 7.2 है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपके सिस्टम में पीएचपी 7.2 जो है वो इंस्टॉल्ड हो। पीएचपी 7.4 हो तो वेल एंड गुड, अगर पीएचपी, मगर मिनिमम पीएचपी 7.2 ज़रूर होनी चाहिए आपके सिस्टम में, जो आप कमांड लाइन से एक्सेस कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई केक पीएचपी? सो केक पीएचपी इज़ डिज़ाइन टू मेक कॉमन वेब डेवलपमेंट टास्क सिंपल एंड ईजी। केक पीएचपी के अंदर प्री डिफाइंड आपको जो बेस्ट प्रैक्टिस से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं, फॉर्म से रिलेटेड, व्यूज से रिलेटेड, टेम्पलेट से रिलेटेड, वो आपको बिल्ट इन मिल जाते हैं। आपने पास उनको इस्तेमाल करना है, और कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट लोडेड होते हैं आपके केक पीएचपी में, और कुछ आपको लोड करने पड़ते हैं इन पर्टिकुलर कंट्रोलर में, या आप उनको ग्लोबल कंट्रोलर में भी लोड कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे चल के वीडियो ट्यूटोरियल में कम्प्लीट बताऊँगा। उसके बाद इट प्रोवाइड ऑल इन वन टूल बॉक्स टू गेट स्टार्टेड द वेरियस पार्ट्स ऑफ केक पीएचपी। अच्छा, इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल जो क्रैश कोर्स है, इसका मकसद है कि आपको इंट्रोड्यूस किया जाए जनरल कॉन्सेप्ट्स इन केक पीएचपी, और उसके अलावा क्विक ओवरव्यू होगा आपको दोज कॉन्सेप्ट्स का। कोई डिटेल्ड ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं डिटेल बताऊँगा तो ये 10 आवर प्लस का भी क्रैश कोर्स हो सकता है। फिलहाल मैंने इसको प्लस 1 कोर्स मतलब माइंड में रखा है कि एटलीस्ट 1 आवर 30 मिनट्स का ये वीडियो ट्यूटोरियल या क्रैश कोर्स होगा। तो ये है वाई केक पीएचपी। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वेंशंस ओवर कॉन्फ़िगरेशन। सो कन्वेंशंस और कॉन्फ़िगरेशन दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी मदद से आप अपनी डेवलपमेंट को यूज़ करते हैं। अब केक पीएचपी के अंदर कन्वेंशंस को इम्पोर्टेंस दी गई है और कन्फिग्रेशन को लेस इम्पोर्टेंस दी गई है। कन्वेंशन से मुराद ये है कि आप सर्टन नेम्स रखेंगे फाइल्स के, सर्टन नेम्स रखेंगे क्लास नेम्स के, सर्टन नेम्स रखेंगे डेटाबेस टेबल्स के, तो उनकी मदद से आप सर्टन टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर मैं इसके एक आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, तो हमारे पास अगर एक कंट्रोलर है यूज़र्स के नाम से, उसके अंदर एक फंक्शन है इंडेक्स, तो हम डायरेक्टली यूआरएल के अंदर लिखेंगे स्लैश यूज़र्स स्लैश इंडेक्स, तो ऑटोमेटिकली केक पीएचपी को पता चल जाएगा कि मैंने यूज़र कंट्रोलर को लोड करना है और उसके अंदर से इंडेक्स मेथड को कॉल करने हैं। और बेस्ट पार्ट यह है कि अगर यूज़र्स सिर्फ आप लिख देते हैं तो भी केक पीएचपी को पता चल जाता है कि जो डिफ़ॉल्ट कंट्रोल मेथड है वो इंडेक्स मैंने लोड करना है। इसके बाद जब आप वैल्यूज़ को सेट करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो केक पीएचपी है वो ये कहता है कि जैसे कंट्रोलर अपना काम ख़त्म करेगा तो मुझे उस कंट्रोलर के नेम से एक फोल्डर चाहिए टेम्पलेट के अंदर, प्लस उस फंक्शन के नाम से जिसको आपने कॉल किया है उस फंक्शन के नाम से पीएचपी फाइल चाहिए, तो मैं उसको लोड कर लूँ। तो ये होती है कन्वेंशंस। सो कॉन्फ़िगरेशन ये होती है कि आपने डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो एक सर्टन फाइल है, फॉर एग्जांपल ऐप अंडरस्कोर लोकल डॉट पीएचपी, उसके अंदर आपने जाकर चेंजेस करनी है, तो ये होती है कन्फिग्रेशन। इसी तरीके से आप राउट्स को कस्टम राउटिंग भी कर सकते हैं, मतलब आप यूज़र्स को यूज़र कहना चाह रहे हैं तो आप बजाय इसके कंट्रोलर का नाम चेंज करें, आप राउटिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इट इज़ बेस्ट प्रैक्टिस एंड बेटर अप्रोच क्या कि प्रॉपर कन्वेंशन यूज़ करें और आपकी
लाइफ जो है वो डेवलपमेंट में ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं कि आर्टिकल्स का नाम से अगर हमारे पास एक टेबल क्रिएट करना है हमने, तो उसका नाम रखेंगे आर्टिकल मॉडल, उसका नाम रखेंगे आर्टिकल्स टेबल। तो इस आर्टिकल्स टेबल के नेमिंग कन्वेंशन की वजह से केक पीएचपी को पता चल जाएगा कि मुझे एक टेबल को फेच करना है जो कि आर्टिकल्स के नाम से है इनसाइड योर डेटाबेस। तो ये कन्वेंशंस है। सो वाइल द कन्वेंशन, ये कुछ टाइम ले सकता है टाइम टू लर्न, बाय फॉलोइंग द कन्वेंशंस केक पीएचपी प्रोवाइड यू यू कैन अवॉइड नीडलेस कन्फिग्रेशन एंड मेक अ यूनिफॉर्म एप्लीकेशन स्ट्रक्चर दैट मेक्स वर्किंग विद वेरियस प्रोजेक्ट्स सिंपल। सो उसके बाद है केक पीएचपी फॉलोज मॉडल्स व्यूज एंड कंट्रोलर्स कॉन्सेप्ट विच इज ऑल्सो नोन एज एमवीसी डिजाइन पैटर्न इन पीएचपी। सो अब ये हम देखेंगे कि एमवीसी डिजाइन पैटर्न क्या है। सो एमवीसी डिवाइड योर एप्लीकेशन इनटू थ्री डिफरेंट लेयर्स या पार्ट्स विच आर मॉडल्स व्यूज एंड कंट्रोलर्स। आप फोल्डर स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ये क्या काम किस तरीके से बने हुए हैं। आपने उन्हीं मॉडल्स के फोल्डर में मॉडल्स को ऐड करना है, कंट्रोलर्स के फोल्डर में कंट्रोलर को ऐड करना है, और व्यू के फोल्डर में, यहाँ पर स्पेसिफिकली केक पीएचपी के अंदर हम व्यूज़ नहीं यूज़ करते, टेम्पलेट यूज़ करते हैं। सो आप इसको एमवीटी भी कह सकते हैं, मॉडल व्यू टेम्पलेट, जस्ट लाइक आई थिंक जेंगो, जेंगो को भी एमवीटी कहा जाता है। यहाँ पर भी एमवीटी आप इसको कह सकते हैं, मॉडल्स व्यूज़ और वैसे कंट्रोलर भी इसमें होते हैं, टेम्पलेट एक अलग चीज़ है। सो मॉडल व्यू कंट्रोलर आप कह लें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडल लेयर की। सो मॉडल लेयर जो है वो रिप्रेजेंट करती है आपकी बिजनेस लॉजिक को, डाटाबेस रिकॉर्ड कैसे हासिल करना है, कौन कौन सा हासिल करना है, ये सारा का सारा काम आपके डाटाबेस या मॉडल लेयर का काम होता है। सो जो ये मॉडल लेयर होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है डाटा को रिट्रीव करने में, इंसर्ट करने में, अपडेट करने में, डिलीट करने में, और इसकी आपके इसका एप्लीकेशन से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता। मतलब लिंक तो होता है लेकिन डायरेक्टली इसका काम सिर्फ और सिर्फ जो आपके डेटाबेस से रिलेटेड है। इसके अलावा यहाँ पर मैं अगर एग्जांपल दूँ जो आपके सामने लिखी हुई भी नज़र आ रही होगी, आप पॉज करके इसको रीड भी कर सकते हैं कि इन द केस ऑफ सोशल नेटवर्क द मॉडल लेयर विल टेक केयर ऑफ टास्क सच एज सेविंग द यूज़र डाटा, सेविंग फ्रेंड्स एसोसिएशंस, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग यूजर फोटोज, फाइंडिंग सजेशंस फॉर न्यू फ्रेंड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। सो द मॉडल ऑब्जेक्ट कैन बी थॉट ऑफ एज फ्रेंड, यूजर, कमेंट और फोटो। ये उसने एक एग्जाम्पल दिया, आई एम श्योर इसकी मदद से आपको काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मॉडल लेयर क्या काम करती है। उसके बाद है व्यू लेयर। द व्यू लेयर रेंडर्स अ प्रेजेंटेशन ऑफ मॉडल डाटा बींग सेपरेट फ्रॉम द मॉडल ऑब्जेक्ट। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजिंग द इंफॉर्मेशन इट हैज़ अवेलेबल टू प्रोड्यूस एनी प्रेजेंटेशनल इंटरफेस योर एप्लीकेशन माइट नीड। सो ये एक प्रेजेंटेशन लेयर होती है आपकी। कोई भी डाटा, किसी किस्म का भी डाटा आपने प्रेजेंट करना है तो आप इस व्यू के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। अब ये व्यू जो है वो कोई टेम्पलेट भी लोड कर सकता है जो कि एमवीसी का है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि टेम्पलेट यूज़ करते हैं इसमें एमवीसी में, यहाँ पर इसमें केक पीएचपी में, लेकिन बेसिकली वो व्यू ही होता है जो उस टेम्पलेट को लोड करता है। और ये ओनली लिमिटेड टू HTML और टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ही है। ये जो आपके टेम्पलेट है ये HTML रिप्रेजेंटेशन है। हम इस व्यू लेयर को ये भी कह सकते हैं कि JSON में जब डाटा या XML में या CSV फाइल में जब डाटा रिटर्न होता है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ व्यू रिप्रेजेंटेशन, व्यू लेयर ऑफ योर MVC स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास होती है द व्यू लेयर। आप इसको पॉज करके यहाँ पर रीड कर सकते हैं, और कोई चीज़ अगर समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद है कंट्रोलर लेयर। सो कंट्रोलर जो है वो लेयर जो हैंडल द रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूज़र। तो ये जो है आपकी जो भी रिक्वेस्ट्स आती हैं यूज़र की तरफ से, उनको कंट्रोलर हैंडल करता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आप user/index लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको पता होता है कि यूज़र कंट्रोलर को लोड करना है और उसके अंदर से इंडेक्स मैथड को मैंने कॉल करना है। सो ए कंट्रोलर कैन बी सीन एज अ मैनेजर दैट इंश्योर्स दैट ऑल रिसोर्सेज नीडिड फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क आर डेलीगेटेड टू द करेक्ट वर्कर्स। मतलब वर्कर्स से यहाँ मुराद है कि अगर हम कंट्रोलर को एक्सेस कर रहे हैं तो उसको पता है कि मुझे कुछ डाटा जो व्यू को सेंड करना है, व्यू को तो मुझे कॉल करना ही करना है, तो उससे पहले मुझे अगर कुछ डाटा डाटाबेस से चाहिए, मॉडल से चाहिए, तो मैं उस मॉडल को कॉल करूँगा और उससे कहूँगा भाई पहले मुझे ये डाटा दो, फिर मैं वापस अब व्यू को कॉल करूँगा और फिर वो व्यू हमें बताएगा कि इधर ये डाटा हमें JSON फॉर्मेट में सेंड करना है, HTML फॉर्मेट में सेंड करना है, व्यू उसको सेंड करना है, मतलब जिस फॉर्मेट में भी सेंड करना चाहें, तो कंट्रोलर उसको उस फॉर्मेट में व्यू को रिटर्न करेगा और व्यू हमें वो हमारी स्क्रीन पर प्रेजेंट कर देगा या हमें JSON में डाटा दे देगा या CSV फाइल के
सूरत में. सो इट वेट फॉर पटिशन फ्रॉम क्लाइंट्स, चेक्स देयर वैलिडिटी अकॉर्डिंग टू द ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन रूल्स, डेलीगेट्स डाटा फेचिंग और प्रोसेसिंग टू द मॉडल, सिलेक्ट द टाइप ऑफ प्रेजेंटेशनल डाटा, मतलब किस टाइप का डाटा, HTML में डाटा है, टेक्स्ट में है, JSON में है, CSV में है, किस में है, और फिर क्लाइंट आर एक्सेप्टिंग एंड फाइनली डेलीगेट्स द रेंडरिंग प्रोसेस टू द व्यू लेयर, और फिर वो व्यू लेयर उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशनल डाटा के बेस पर उस व्यू या टेम्पलेट को कॉल करती है. उसके बाद इसकी लाइफ साइकिल को हम देखते हैं कि एक PHP की रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल है. थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको एक दफ़ा खुद देख लीजिए. बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहले आपकी index.php लोड होती है, फिर ऑटो लोडर उसमें से एग्जीक्यूट होता है, और आपके वेंडर के फोल्डर में से जितनी भी क्लासेज उसको रिक्वायर्ड होती हैं टू बूट अप द डिफॉल्ट एप्लीकेशन, तो वो उनको लोड करता है. फिर उसके बाद ऑटो लोडर जो है लोड करता है एप्लीकेशंस को, फिर बाइंड करता है उसको HTTP सर्वर के साथ, ताकि आप उनको एक्सेस कर सकें इनसाइड योर रिक्वेस्ट, जो भी गेट पुट पोस्ट पैच डिलीट जिस किस्म की भी रिक्वेस्ट आपने सेंड करनी है. उसके बाद यहाँ पर उसे मेंशन किया मिडलवेयर. जैसे ही आपकी एप्लीकेशन लोड होती है तो आप जो भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वो मिडलवेयर आपका सबसे पहले रिक्वेस्ट कंट्रोलर तक जाने से पहले वो मिडलवेयर चेक करता है कि आया ये तरीका अलाउ है इसको या नहीं. तो मिडलवेयर आर द मिडल पार्ट्स ऑफ योर एप्लीकेशन वेयर दे, जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि बिफोर सेंडिंग द गेट या पोस्ट रिक्वेस्ट आपके चेक करता है कि ये एक वैलिड रिक्वेस्ट आ रही है या नहीं. उसके बाद कंट्रोलर लोड होता है, कंट्रोलर कंपोनेंट्स या लोड करेगा या मॉडल से कोई डाटा लेगा, और मॉडल जो है वो किसी भी बिहेवियर से, किसी भी एंटिटी से या किसी भी दूसरी कोड से, जो भी इसको डाटा चाहिए किसी कह सकते हैं आप डेटाबेस से चाहिए या किसी और फाइल से चाहिए, वो उससे लेगा और वापस कंट्रोलर को रिटर्न करेगा. फिर कंट्रोलर व्यू को कॉल करेगा, और व्यू फिर अगर उसको कुछ हेल्पर्स चाहिए तो हेल्पर्स को, और इसी तरीके से कुछ सेल्स चाहिए या आप कह सकते हैं कि ये कुछ मॉड्यूल्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, उनको कॉल करेगा. उसके बाद अगेन यहाँ पर एक मिडलवेयर चेक करेगा कि ये किस किस्म का रिस्पांस है, और वो उस किस्म का रिस्पांस वापस हमें यूज़र को रिस्पांस दे देगा. एंड दिस इज़ द कंप्लीट लाइफ साइकिल, जो कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पर मैंने मेंशन भी किया हुआ. आप एक दफ़ा इसको पॉज करके रीड ज़रूर कर लीजिएगा. उसके बाद हम देखते हैं कि एक PHP का फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है. तो इसमें कोई तकरीबन हमारे पास 11 फोल्डर्स होते हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ 11 फोल्डर हैं. सबसे ऊपर बिन का फोल्डर है हमारे पास, इनको अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पर लिखा गया. तो आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से उसके अंदर है ओरिजिनली इनसाइड योर एप्लीकेशन जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे. सो बिन का फोल्डर होता है, कन्फिग का फोल्डर, प्लगइन्स, लॉग्स, SRC, टेम्पलेट्स, रिसोर्सेज, टेस्ट्स, TMP, वेंडर और वेब रूट. वेब रूट बेसिकली आपका डिफॉल्ट एप्लीकेशन फोल्डर होता है जहाँ से आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होती है. इस द पब्लिक डॉक्यूमेंट रूट ऑफ योर एप्लीकेशन, इट कंटेन्स ऑल द फाइल यू वांट टू बी पब्लिकली रीचेबल. तो इसमें आप वो वेब रूट में फाइल्स रखेंगे जो कि आप चाहते हैं कि पब्लिकली अवेलेबल हों यूज़र्स को. इसके अलावा वेंडर का फोल्डर जो है वो आप जो समझ लें कि सिक्योर्ड फोल्डर है, उसमें आपने कोई चेंजेस नहीं करनी. वो आपका रूट फोल्डर है जिसमें चेंजेस का मतलब है कि अगर आप कल को अपने इसको अपडेट करते हैं तो आपके वो चेंजेस ख़त्म हो जाएंगे. सो एडिटिंग दिस फाइल इज़ नॉट एडवाइज्ड, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है. एज कंपोजर विल ओवरराइड योर चेंजेस नेक्स्ट टाइम यू अपडेट. तो टेम्प का फोल्डर है, जब भी आप टेम्पररी डाटा कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं तो वो पहले टेम्प फोल्डर में जाएगी, या इसमें आपको सेशंस मिल जाएंगे, आपको इसमें दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में लॉग्स वगैरह मिल जाएंगे. तो ये टेम्प फोल्डर इस पर्पस के लिए. तो आप एक दफ़ा पॉज करके इस तमाम फोल्डर स्ट्रक्चर को एक दफ़ा देख लीजिए. नेक्स्ट हम देखते हैं SRC फोल्डर को. सो SRC फोल्डर में हमारे कंसर्न जो है वो तीन फोल्डर्स हैं, कंट्रोलर, मॉडल और व्यूज़. बेसिकली उसमें हमारे पास कंट्रोलर्स और मॉडल्स ही हैं. व्यू को हम इतना ज़्यादा टच नहीं करेंगे, हम टच करेंगे टेम्पलेट को जिसमें हम टेम्पलेट्स क्रिएट करेंगे. सो इस तरीके से हम अपने क्योंकि इसके अंदर हमारे पास व्यूज़ और हेल्पर्स फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो इसको हम टच नहीं करेंगे इस व्यू फोल्डर को. इसमें जो कुछ है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये प्रोजेक्ट. सो कंट्रोलर और मॉडल में हम कंट्रोलर्स क्रिएट करेंगे, एक ही कंट्रोलर क्रिएट करेंगे और जो कि आर्टिकल्स के नाम का होगा, और दूसरा हम उसमें मॉडल क्रिएट करेंगे. इस मॉडल में हम एक ही मॉडल क्रिएट करेंगे, आर्टिकल्स का मॉडल और आर्टिकल की एंटिटी. वो मॉडल्स के अंदर हमें ये फर्दर कुछ फोल्डर्स हैं, वो हम ड्यूरिंग द ट्यूटोरियल जो क्रैश कोर्स के दौरान हम उनको देख लेंगे. सो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू. अब हम देखते हैं कि किस किस्म की हम एप्लीकेशन इस क्रैश कोर्स में बनाएंगे. अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस किस्म की एप्लीकेशन बनाने में तो आप इस वीडियो को इसके बाद कंप्लीट देख लीजिएगा.
तो इस कंप्लीट क्रैश कोर्स में हम एक आर्टिकल लिस्ट वाकर का कंट्रोल मतलब आर्टिकल्स का कंट्रोलर क्रिएट करेंगे जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। और ये एक कन्वेंशन है कि एक आर्टिकल्स कंट्रोलर को कॉल करेगा। इसमें हमारे पास लिस्ट आएगी जो जो आर्टिकल्स डाटाबेस के अंदर एडिड होंगे, और आप ऐड न्यू आर्टिकल पर क्लिक करके न्यू आर्टिकल को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू आर्टिकल एडिड, इस पर कुछ वैलिडेशन भी हमने मैंने लगाई है कि अगर मैं इस तरीके से इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर वो कह रहा है अपडेट अनेबल टू ऐड योर आर्टिकल, द प्रोवाइडेड वैल्यू इज़ इनवैलिड। तो वैलिडेशन हमने जो लगाई है वो आपको पता होनी चाहिए कि क्या वैलिडेशन है। तो यहाँ पर न्यू आर्टिकल एडिड वाइल मेकिंग दिस क्रैश कोर्स, सो इसको सेव करूँगा तो मैं ये रिकॉर्ड अब सेव हो जाएगा और यहाँ पर लिस्ट में शो हो जाएगा। सो एट द एंड हुआ क्योंकि वो ऑर्डर में आईडी के बेस पर। उसके अलावा हम इसको रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं, इसको डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। एडिट करेंगे तो हमारे पास न्यू विंडो ओपन होगी, उसके अंदर हमें वही रिकॉर्ड मिल जाएगा और हम उसको चेंज करके सेव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम उसको डिलीट करेंगे तो हमें एक पॉपअप विंडो मिलेगी, आर यू श्योर, तो ओके करेंगे तो वो रिकॉर्ड जो है वो डिलीटेड सक्सेसफुली हो जाएगा और उस पर क्लिक करने पर वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सी एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे इस क्रैश कोर्स में इन विद इन 1 आवर और सम प्लस मिनट 30 मिनट्स हो सकते हैं। तो अगर आप इस क्रैश कोर्स इस तरह की एप्लीकेशन बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आगे देखिए, अदरवाइज़ आप यहीं पर वीडियो को अगर क्लोज़ करना चाहें तो क्लोज़ कर दें। बट क्लोज़ करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी प्रेस कर दें। तो चलिए अब देखते हैं कि हम किस तरीके से केक पीएचपी को इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए हम अपने इस क्रैड ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। इस दौरान कोई मिस्टेक्स होंगी तो मैं एडवांस में आपसे एक्सक्यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि वाइल यू आर राइटिंग किसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, स्पेलिंग्स मिस्टेक हो जाती हैं या कोई कन्फिग्रेशन मिस्टेक हो सकती है, तो स्टार्ट में मैं आपसे सॉरी कर लेता हूँ। तो मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इस केक पीएचपी सीएम केक पीएचपी वर्जन 4 जो कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है उसको इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो केक पीएचपी को इंस्टॉल कर लेते हैं जो भी उसका लेटेस्ट 4 वर्जन है, क्योंकि इस क्रैश कोर्स में हम वर्जन 4 को यूज़ करने जा रहे हैं। तो अगर आप ऑलरेडी वर्जन 3 तक काम कर चुके हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि वर्जन 4 पर फ़िलहाल आप अपडेट ना करें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ब्रेकिंग चेंजेस भी हैं। तो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन को एक दफ़ा रीड कर लीजिए। सो इसको इंस्टॉल करने के लिए PHP 7.2 इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट, लेकिन PHP 7.4 के साथ भी ये काम करता है कि एक PHP का जो फ्रेमवर्क है। उसके अलावा हमें कंपोज़र चाहिए, कंपोज़र का जो भी लेटेस्ट स्टेबल वर्जन हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने प्रीवियसली इस पर प्रीव्यू वर्जन जो उसका लेटेस्ट वर्जन 2 है वो ट्राई किया था, लेकिन वो सही काम नहीं करता इंस्टॉलेशन में। तो मेक श्योर कीजिए अगर आप प्रीव्यू वर्जन यूज़ कर रहे हैं कंपोज़र का तो उसको रोल बैक कर लें, वर्जन 1.3 स्टेबल 1.10 स्टेबल जो रिलीज़ है। तो आप इसके लिए कंपोज़र सेल्फ अपडेट -- स्टेबल लिखेंगे तो वो स्टेबल वर्जन को अपडेट कर देगा। फिर आपको प्रीव्यू वर्जन चाहिए तो आप कंपोज़र सेल्फ अपडेट -- प्रीव्यू कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा कंपोज़र क्रिएट प्रोजेक्ट -- प्रेफर डिस्ट्रीब्यूशन जो भी उसकी प्रेफरेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, और डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा केक PHP /app :4.steric। उसके बाद मैं नेम दूंगा इसको, मैं केक CMS का नाम दूंगा कि ये हमारे पास एक केक PHP का CMS है। तो हम एक छोटा सा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मतलब क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उससे। सो क्रिएटिंग अ केक PHP प्रोजेक्ट एट केक CMS, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड। ये पैकेजेस को कुछ को डाउनलोड करेगा और उनको इंस्टॉल करेगा। मैंने अनफॉर्चुनेटली इसके साथ -VVV स्विच को यूज़ नहीं किया, इसलिए ये क्रिएटिंग अ केक PHP ऐप :4.steric और प्रोजेक्ट पे रुका हुआ है। तो ये बेसिकली कर रहा है, ये बिहाइंड द सीन चेक कर रहा है कि जो वर्जन कौन सा है उसको डाउनलोड करके उसका प्रॉपर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ कि जो कंपोज़र का वर्जन 2 है, जो प्रीव्यू वर्जन है, अभी रिलीज़ कैंडिडेट है, अभी उसकी स्टेबल रिलीज़ नहीं आई,
तो उस वो जो है वो काफ़ी फास्ट है एज़ कम्पेयर टू जो कंपोजर वर्जन 1.10 स्टेबल वर्जन है, जो भी लेटेस्ट वर्जन है उससे काफ़ी फास्ट है उसकी इंस्टॉलेशन एज़ कम्पेयर टू कंपोजर 1 है। तो अगर तो वो आपकी इंस्टॉलेशन के साथ काम करता है, फॉर एग्जांपल आप लारावल या किसी और फ्रेमवर्क के लिए यूज़ करें तो उसको यूज़ करें, इट इज़ प्रेफरेबल, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा स्लो है। अब इसने पैकेजेस को देखिए कैशे से ही लोड कर रहा है, कुछ पैकेजेस जो अपडेटेड होंगे उनको डाउनलोड करेगा नेट से। तो मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था केक पीएचपी को पहले, तो इस वजह से इसने काफ़ी सारे पैकेजेस को अपडेट जो है वो नहीं किया, सारे लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पर उसने एक बताया कि पैकेज पीएचपी यूनिट पीएचपी टोकन स्ट्रीम इज़ अबंडेंट, यू शुड अवॉइड यूजिंग इट, नो रिप्लेसमेंट वाज सजेस्टेड। उसके बाद वो आपसे कहेगा कि सेट फोल्डर परमिशंस, परमिशंस से मुराद यह है कि प्रॉपर टेम्प लॉग फॉल फोल्डर जो उनको रीड राइट के परमिशन देने हैं, तो आपने येस कर देना है। सो हमारे पास सक्सेसफुली केक सीएमएस के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो गया और हमने सक्सेसफुली केक पीएचपी का बेसिक जो ऐप है, जो डिफॉल्ट बॉयलर प्लेट है जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, उसको हमने क्रिएट कर लिया। अब इसको रन करने के दो तरीके हैं। अगर आपके पास सिर्फ पीएचपी इंस्टॉल्ड है तो आप डायरेक्ट सीएलआई की मदद से, मतलब कमांड लाइन से लिख सकते हैं यहाँ पर पीएचपी बिन स्लैश केक डॉट पीएचपी और उसके बाद सर्वर, इसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो आपके पास एक सर्वर क्रिएट हो जाएगा। सो कुड नॉट इनपुट एक, सॉरी मैं सीएमएस के फोल्डर में गया ही नहीं, सबसे पहले आपने केक सीएमएस के फोल्डर में आना है और यहाँ पर ये कमांड आपने रन करनी है। तो जैसे आपने कमांड रन की उसने कहा जी वेलकम टू केक पीएचपी वर्जन 4.1.4 कंसोल ऐप सोर्स पाथ यूजर दिस डॉक्यूमेंट रूट, ये है आपका इन आई नई पाथ, कोई नहीं उसने यहाँ पर दिया, बिल्ट इन सर्वर इज रनिंग ऑन HTTPS लोकल होस्ट 8765। आपने इस लाइन को कॉपी करना है और इसको अपने ब्राउजर के अंदर आकर यहाँ पर आपके आपने पेस्ट कर देना है और इसके बाद एंटर प्रेस कर देना है, तो आपके पास केक पीएचपी के जो डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन है कुछ इस तरीके से वो आपके पास आ जाएगी। सो वेलकम टू केक पीएचपी 4.1.4 स्ट्रॉबेरी रिलीज, ये एक स्ट्रॉबेरी रिलीज है, केक पे स्ट्रॉबेरी बड़ी अच्छी लगती है। सो इन्वायरमेंट योर वर्जन ऑफ पीएचपी इज 7.2 और हायर डिटेक्टेड 7.3.22, योर वर्जन ऑफ पीएचपी हैज द एमबी स्ट्रिंग एक्सटेंशन लोडेड, सो ये रिक्वायर्ड है एक्सटेंशन, ओपन एसएसएल एक्सटेंशन भी रिक्वायर्ड है, आईएनटीएल एक्सटेंशन भी रिक्वायर्ड है, योर टेम्प डायरेक्टरी इज राइटेबल, योर लॉग डायरेक्टरी इज राइटेबल, द केक कैशे इंजन फाइल इंजन इंजन इज बींग यूज फॉर कोर कैशिंग, सो कैशिंग के लिए यूज होता है, आप इसको एडिट कर सकते हैं ऐप डॉट पीएचपी से। सो डेटाबेस केक पीएचपी इज नॉट एबल टू कनेक्ट टू द डेटाबेस, यस अभी हमने इसको डेटाबेस से कनेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पर आपको रेड कलर का निशान नज़र आ रहा है। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे, सो डिबग किट इज लोडेड, सो डिबगिंग इज लोडेड, मतलब डेवलपमेंट मोड में हम, तो इसकी डिबगिंग लोड है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे जहाँ से आप देखिए, ये 20 मिनट सीएमएस ट्यूटोरियल है, अगर आप चाहते हैं तो इसको फॉलो कर सकते हैं। वैसे बेसिकली यही इसी किस्म का ट्यूटोरियल मैं भी आपको इस क्रैश कोर्स में बताऊंगा। अब इसने 20 मिनट का आया क्योंकि उसने सारा कुछ लिखा हुआ, आपने रीड करना है, अपने आप पर डिपेंड करता है आप उसको 20 मिनट्स में रीड करते हैं या 40 मिनट्स में। मेरा ये क्रैश कोर्स ऑलमोस्ट 1 आवर प्लस का होगा, तो आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको इसको देखना नहीं पड़ेगा। खैर एनीवेज हमारी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो चुकी है और मैंने इसको इवन सबलाइम टेक्स्ट में भी ओपन कर लिया। यहाँ पर ये यह देखिए हमारे पास केक सीएमएस के नाम से फोल्डर बन गया, उसके अंदर यहाँ पर बिन का फोल्डर है जहाँ से मैंने केक डॉट पीएचपी फाइल को, इस फाइल को एग्जीक्यूट किया टू क्रिएट द सर्वर। इसके अलावा आपके पास बैच फाइल भी मौजूद है विंडोज़ यूज़र के लिए और लिनक्स और मैक यूज़र्स के लिए केक नाम से एक, उसने बेसिकली ये भी पीएचपी की फाइल है लेकिन ये इसको सीएलआई कमांड के साथ रन करते हैं। देखिए ये जी शेल या बैश के साथ इसको रन किया जाता है। उसके बाद हमारे पास कॉन्फिग का फोल्डर है, तमाम कॉन्फ़िगरेशन हम इसके अंदर करेंगे, लॉग्स हमारी जितनी भी होंगी वो इस फोल्डर में सेव होंगी, प्लगइन्स जो भी आप एक्सटर्नल प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पर इंस्टॉल होंगे, लोड होंगे, रिसोर्सेज में आपके पास रिसोर्सेज होंगे जो भी स्टैटिक रिसोर्सेज हैं सीएसएस वगैरह से रिलेटेड, फिर सोर्स का फोल्डर है, ये मेन हमारा फोल्डर है जहाँ पर हम काम करेंगे और इसी के अंदर कंट्रोलर मॉडल और व्यू के हमारे पास फोल्डर हैं जिनमें हम काम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट बेसिकली व्यूज़ है जिसमें हमारे पास सेल है, एलिमेंट्स है, ईमेल, एरर, लेआउट्स और पेजेस वगैरह, तो इसमें हम लेआउट्स वगैरह, पेजेस वगैरह, एरर एंड ईमेल, एलिमेंट्स और सेल्स वगैरह क्रिएट करेंगे जिनको हम यूज़ कर सकेंगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। फिर टेस्ट का फोल्डर है, अगर आप टेस्ट बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं जिसको आप सारे पार्ट्स को टेस्ट भी करें तो वो ये आपके लिए फोल्डर है, यहाँ पर कुछ
बूटस्ट्रैपिंग टेस्ट मौजूद हैं। इसके बाद टेम्प का फोल्डर है, टेम्पररी जो भी चीज़ आप अपलोड वगैरह करेंगे तो वो यहाँ पर सेव होगी। उसके बाद इसमें कैशे सेशंस और टेस्ट वगैरह सारे होंगे। फिर वेंडर का फोल्डर है, ये वो फोल्डर है वेंडर का जिसके अंदर आपकी तमाम पी एच पी कम्पोज़र, जो कम्पोज़र पैकेज मैनेजर है वो तमाम कन्फिग्रेशन इसके अंदर करता है, और आपकी जो वेब रूट फाइल है जो इंडेक्स डॉट पी एच पी लोड होती है वो यहाँ से इसको फिर लोकेट करके इसके सारी रिक्वायरमेंट्स को ओपन करती है। तो यहाँ से इंडेक्स डॉट पी एच पी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग योर कंप्लीट एप्लीकेशन। सो ये आगे बूटस्ट्रैपिंग करती है इसकी सारी, कहाँ से कौन सी फाइल लोड करनी है तो वो इसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो ये इसका छोटा सा फोल्डर स्ट्रक्चर है और ये इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी। तो अब हम अपने एक्चुअल ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट हम जो है इसको डेटाबेस से कनेक्ट करना और क्रिएट करना सीखेंगे, किस तरीके से हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं टेबल्स वगैरह। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर तो आप यूज़ कर रहे हैं इसको केक डॉट पी एच पी सर्वर को, तो जब भी आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी या कोई भी क्रिटिकल चेंज करेंगे ना तो आपको ये सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मैं चूँकि ऑलरेडी लारावेल वॉलेट को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ और मैं डायरेक्ट जो है वो ब्राउज़र के अंदर लिखूँगा केक सी एम एस डॉट टेस्ट। जैसे मैं केक सी एम एस डॉट टेस्ट लिख के एंटर करूँगा ये ऑटोमेटिकली इसके वेब रूट को लोड कर लेगा और यहाँ पर वही इन्फॉर्मेशन जो इससे पहले आ रही थी वो दोबारा से यहाँ आ गई। इसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि बार बार सर्वर को मुझे रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता रहूँगा। सो अब हमने करना है इसको डेटाबेस से कनेक्ट। सो डेटाबेस से कनेक्ट करने का जो तरीका है वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास कन्फिग फोल्डर के अंदर एक तो ई एन वी डॉट एग्जाम्पल फाइल है, इसको इन्वायरमेंट एग्जाम्पल कहते हैं। सो इस फाइल के अंदर हम जो है वो इसको सारी कन्फिग्रेशन कर सकते हैं जो भी हमने डेटाबेस जिससे भी कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटाबेस यूआरएल है, डेटाबेस टेस्ट यूआरएल है, अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो इस यूआरएल के साथ कर सकते हैं, अगर आप नॉर्मल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, फिर लॉग डिबग यूआरएल है। तो ये अभी ई एन बी डॉट एग्जाम्पल के नाम से, इसमें हमने भी कोई चेंजेस नहीं करते, इसको ज़रूरत भी नहीं है हमें फ़िलहाल इस पर काम करने की। तो इसमें ऐप नेम है, जो भी डिबग ट्रू कर देंगे, ऐप इनकोडिंग कर देंगे तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशन है। हमारे पास दो बेसिकली फाइल्स होते हैं जिनमें हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं डेटाबेस से रिलेटेड। उसमें जो पहली कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो है ऐप डॉट पी एच पी, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। दूसरी है ऐप अंडरस्कोर लोकल डॉट पी एच पी। अगर आपका एनवायरनमेंट जो है वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, मगर आप मतलब आपने जब डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन करते हैं किसी भी सर्वर पे तो वो डेवलपमेंट सर्वर में इंस्टॉल होते हैं, उसको बाद में आप प्रोडक्शन में चेंज करते हैं। सो जब आप प्रोडक्शन में चेंज करते हैं तो आपको डिफरेंट लोकेशन पर यहाँ पर वेब रूट वगैरह चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर उसने इसकी इंट्रोडक्शन लिखी हुई है कि आप अगर इन्वायरमेंट में है, डिफ़ॉल्ट इन्वायरमेंट में मतलब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में है, तो आप ऐप अंडरस्कोर लोकल डॉट पी एच पी में चेंजेस करेंगे। सो ये कह रहा है लोकल कॉन्फ़िगरेशन फाइल टू प्रोवाइड एनी ओवरराइड टू योर ऐप डॉट पी एच पी कॉन्फ़िगरेशन, कॉपी एंड सेव दिस फाइल एज लोकल डॉट पी एच पी एंड मेक चेंजेस एज रिक्वायर्ड। तो वो कह रहा है कि ये जो बेसिकली ऐप अंडरस्कोर लोकल है ना, ये ओवरराइड कर देती है डिफ़ॉल्ट जो आपके अंदर ऐप के अंदर जो भी चेंजेस हैं। सो यहाँ पर अगर कोई चीज़ लिखी हुई है और आप उसको एज यहाँ पर ओवरराइड करते हैं ऐप अंडरस्कोर लोकल पर तो वो ओवरराइड हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन है, तो अगर मैं इस कनेक्शन को ऐप डॉट पी एच पी में लिखूँगा और ऐप डॉट लोकल में कुछ और लिखा है तो वो उसको प्रेफर करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यूज़र नेम देते हैं, होस्ट हमारे पास ऑलवेज लोकल होस्ट होता है, यूज़र नेम रूट होता है नॉर्मली लोकल इन्वायरमेंट में, डेटाबेस को हम देंगे डीबी केक सी एम एस। मैं नॉर्मली इसी तरीके से नेमिंग कन्वेंशन देता हूँ कि जो मेरे पास डोमेन है वो लिखता हूँ और स्टार्ट में डी बी लगा देता हूँ ताकि फिर मुझे बाद में आसानी होती है, पासवर्ड सीक्रेट नहीं है। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है। स्कीमा वगैरह हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं है, डेटाबेस यूआरएल इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये ई एन वी से उठा रहा है डेटाबेस यूआरएल। सो ये इसलिए कि आप डी एस एन सेटिंग कर सकते हैं, डी एस एन से मुराद ये है कि ये जो सेटिंग है ये सेटिंग जो है एक्सपोर्ट ये वाली जो लिखी हुई है इसको DSN सेटिंग्स का आ जाता है, जिसमें आप माई एस क्यू एल कॉलन स्लैश स्लैश माई ऐप, तो ये हम आपके पास माई ऐप डेटाबेस नेम है, फिर इसकी यूज़र नेम है ये वाला, ये लोकल होस्ट पे है, फिर ये ऐप नेम है, फिर इनकोडिंग कौन सी वगैरह वगैरह। तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर चेंजेस कर दिए। अब मुझे ये डेटाबेस क्रिएट करना है तो मैं आऊँगा वापस टर्मिनल पर।
और यहाँ पर केक सी एम एस यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं लिखूँगा माई एस क्यू एल माइनस यू रूट, सॉरी आई थिंक मेरे पास माई एस क्यू एल इस वक्त रन नहीं हो रहा होगा क्योंकि मैंने सिस्टम रीस्टार्ट किया था, सो दैट्स वाई। सो अब ये इसको रीस्टार्ट कर रहा है यहाँ पर स्टार्टिंग माई एस क्यू एल सर्वर। ओके सक्सेस। अब मैं माई एस क्यू एल माइनस यू रूट करूँगा और यहाँ पर क्रिएट डाटा बेस डी बी केक सी एम एस सेमी कॉलन। तो हमारी डाटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब एक और चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ, जो हमारे पास केक पीएचपी है ना, उस वो बिल्कुल जब इंस्टॉल होता है तो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको प्रोवाइड करता है, उसमें माइग्रेशंस वगैरह के स्ट्रक्चर नहीं होता। मतलब अगर मुझे डाटाबेस से कनेक्ट करने के बाद उसमें टेबल्स वगैरह क्रिएट करने हैं तो वो मुझे डायरेक्टली डाटाबेस के अंदर पीएचपी माय एडमिन को इस्तेमाल करते हुए या कोई भी माई एसक्यूएल वर्क बेंच को इस्तेमाल करते हुए या मेरे केस में सीक्वल प्रो को इस्तेमाल करते हुए हम उसमें डाटाबेस क्रिएट करते हैं। तो मैं इसमें माई सीक्वल प्रो को यूज़ करूँगा। लेकिन एक और चीज़ भी बता दूँ कि हमारे पास एक प्लगइन भी मौजूद है जिसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं केक पीएचपी के अंदर और फिर हम माइग्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं प्लगइन्स की तरफ नहीं जाता क्योंकि हमारा फोकस जो है वो कुछ हो रहा है। तो मैं क्विकली डाटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, टेबल्स क्रिएट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से मैंने टेबल्स क्रिएट किए, उनमें कौन कौन से कॉलम्स हैं। सो मैंने केक सी एम एस जो डी बी केक सी एम एस का डाटाबेस है उसके अंदर चार टेबल्स क्रिएट किए हैं, यूज़र्स टैग्स आर्टिकल्स टैग्स और आर्टिकल्स के नाम से। इसमें यूज़र के टेबल के अंदर एक डिफ़ॉल्ट मैंने यूज़र इंसर्ट कर दिया जिसका ईमेल ये है और पासवर्ड जो कि प्लेन है, होना नहीं चाहिए लेकिन प्लेन है एनीवेज, ये क्योंकि हम क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करें तो इट्स ओके। जब हम ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन देखेंगे तो उसमें हम इसको फिर इनक्रिप्ट भी करेंगे। खैर यहाँ पर यूज़र्स है, टैग्स का है, इसमें कोई डाटा नहीं है, इसमें भी कोई डाटा नहीं है, इसमें एक पोस्ट मौजूद है। ये मैंने डमी पोस्ट इसलिए क्रिएट किया ताकि जब हम इसको टेस्ट करें तो हमें एक एटलीस्ट कोई इन्फॉर्मेशन तो स्क्रीन पर नज़र आनी चाहिए। सो ये थे हमारे पास चार टेबल यूज़र्स, इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सिंपल आई डी ई मेल पासवर्ड क्रिएटेड और मॉडिफाइड है। इसके बाद टैग्स है, सो इसमें आई डी टाइटल क्रिएटेड और मॉडिफाइड है। फिर आर्टिकल टैग्स है, आर्टिकल आई डी और टैग आई डी है, ये बेसिकली रिलेशनशिप के लिए हमने क्रिएट किया। इस कन्वेंशंस को कहते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, के एक आर्टिकल के कई टैग्स हो सकते हैं और एक टैग्स कई आर्टिकल पर हो सकता है। सो या फिर आप कह सकते हैं मल्टीपल आर्टिकल्स में मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं और मल्टीपल टैग्स मल्टीपल आर्टिकल्स में, मतलब मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है ये, टू बी मोर प्रिसाइज। सो ये आर्टिकल्स का टेबल है जिसमें आई डी है, यूज़र आई डी है, क्योंकि किस यूज़र ने आर्टिकल क्रिएट किया है वो हमने ज़रूर जानना है कि किसने क्रिएट किया है। टाइटल है, स्लैग गैस का बॉडी है, पब्लिश कब किया गया, क्रिएटेड कब किया, मॉडिफाइड। क्रिएटेड और पब्लिश में फ़र्क यह है कि जब आप क्रिएट करते हैं तो आप वो पब्लिश नहीं होता, वो नज़र नहीं आता, फिर आप जब आर्टिकल को पब्लिश करते हैं सो वो वाली जो डेट होगी जिस व्यूएबल होगा जब वो यूज़र्स को एंड यूज़र्स को, तो उसको पब्लिश्ड स्टेटस करते हैं। सो पब्लिश्ड ये भी बेसिकली हमारे पास एक इंटीजर है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, सो पब्लिश्ड है या नहीं है, ये इसके हमें यहाँ पर ये मेंशन करना है। सो ये हमारे पास टेबल स्ट्रक्चर हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में अपना फर्स्ट मॉडल क्रिएट करना सीखते हैं। तो मॉडल जो है, जैसे मैंने कहा था कि हमने ज़्यादातर काम करना है, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था आपको कि हमने ज़्यादा काम कहाँ पर करना है, हमने काम करना है SRC के फोल्डर में। तो चूंकि अब हमने मॉडल क्रिएट करना है तो मॉडल के लिए हमारे पास जो मॉडल्स का एक फोल्डर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीन फर्दर आगे फोल्डर्स हैं, बिहेवियर का जो खाली है, एंटिटी का जो खाली है, टेबल का जो खाली है, तीनों फोल्डर खाली हैं। तो सबसे पहले हमने आना है टेबल के फोल्डर में और यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। अब जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कन्वेंशंस वर्सेस कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर हम एक कन्वेंशन यूज़ करेंगे। कन्वेंशंस क्या है, न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ आर्टिकल्स। अब इस कन्वेंशन में आर्टिकल्स से मुराद है आर्टिकल्स का टेबल। उसके साथ हम जब मेंशन करेंगे आर्टिकल्स टेबल डॉट पीएचपी, और इसी नाम से जब हम क्लास क्रिएट करेंगे तो सीएमएस केक सीएमएस को पता चल जाएगा कि हमने इसका जो भी डाटा फेच करना है वो आर्टिकल टेबल से करना है। मुझे यहाँ पर उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये डाटा तुमने आर्टिकल्स में से उठाना है। सो दिस इज़ कॉल्ड कन्वेंशन। तो यहाँ पर अब सबसे पहले मैं पीएचपी स्टार्ट करूँगा। पीएचपी के बाद यहाँ पर नेम स्पेस हमें लाजमी देनी है। नेम स्पेस हम देंगे ऐप स्लैश मॉडल स्लैश, इसमें हमने टेबल के अंदर इसको सेव किया, तो ये इसका नेम स्पेस होगा।
उसके बाद हमें इसके लिए, चूँकि हमने केक सी एम एस को यूज़ करना है, तो इसके जो प्री डिफाइंड प्लगइन है या एक्सटेंशन है ओ आर एम, उसको हम यूज़ करेंगे। सो ओ आर एम को कहते हैं हम ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। तो इसकी मदद से हम मैप करते हैं रिलेशनशिप्स को, ऑब्जेक्ट्स को इनसाइड फ्रॉम योर मॉडल टू योर डाटा बेस। सो यूज़ केक स्लैश ओ आर एम स्लैश टेबल। सो ओ आर एम में से टेबल को उठाएगा वो क्लास को, और यहाँ पे हम फिर क्लास क्रिएट करेंगे। अब क्लास नेम भी सेम होना चाहिए जो आपका फाइल नेम है, सो आर्टिकल्स टेबल, और इसको एक्सटेंड करेंगे इस टेबल से जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया। अब मिनिमम जो इसकी कन्फिग्रेशन है, अब देखिए मैंने कन्वेंशंस अभी तक जितनी बात की वो कन्वेंशंस है। अब इसकी मिनिमम ये कन्फिग्रेशन है पब्लिक फंक्शन के, जब ये इनिशियलाइज हो, आई एन आई टी आई ए एल आई जी ई, जब ये इनिशियलाइज हो तो इसके अंदर एरे की सूरत में कन्फिग फाइल इंजेक्ट होंगी। ये बेसिकली ये हम ओवरराइड कर रहे हैं टेबल के अंदर, एक हमारे पास एक इनिशियलाइज का मेथड है उसको ओवरराइड कर रहे हैं, और यहाँ पर हम कहेंगे कि दिस ऐड बिहेवियर। सो ऐड बिहेवियर का मतलब ये है, इसमें हमने टाइम स्टैम्प दे देना है। सो इसका मतलब ये है कि हम उसको ये कह रहे हैं कि हमारे जो टेबल्स हैं उनके अंदर जो आर्टिकल्स के टेबल में क्रिएटेड और मॉडिफाइड के जो दो कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स को तुमने खुद मैनेज करना है, ये टाइम स्टैम्प्स की सूरत में। सो दिस मैंने क्या लिख दिया, सो दिस ऐड बिहेवियर टाइम स्टैम्प, ये सिंपल आपने लिखना है। तो देखिए हमारा फर्स्ट मॉडल सक्सेसफुली क्रिएट कर हो गया विद कन्वेंशन एंड मिनिमम कन्फिग्रेशन, वन मॉडल ओनली और फ्रॉम एक्सटेंडिंग फ्रॉम टेबल, जो कि एक ओ आर एम है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर है। अब नेक्स्ट स्टेप में इस आर्टिकल को, जब इस आर्टिकल टेबल की मदद से हम डाटा फेच करते हैं, तो हमें एक सिंगल रिकॉर्ड, जितने भी मतलब हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं आर्टिकल्स के टेबल में, लेकिन किसी एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कि उस एक रिकॉर्ड का कौन कौन से कॉलम हो, उसके लिए हमें एक एंटिटी को यूज़ करना पड़ता है। सो एंटिटी मीन्स सिंगल टेबल रो, जो भी टेबल आप ले रहे हैं उसकी जो एक रो होती है उसको एक एंटिटी कहा जाता है। तो इस एंटिटी को ऐड करने का हमें ये फ़ायदा होगा कि जब भी हम किसी भी टेबल में से कोई डाटा फेच करेंगे तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि सर्टन रोज शो करें, सर्टन रोज ना शो करें, तो उसके लिए एंटिटी को यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सिंपली न्यू फाइल क्रिएट करनी है, और उसका नाम हम अब देखिए आर्टिकल एंटिटी रखना है। इस आर्टिकल एंटिटी को हम कॉल करेंगे, मैं आपको दिखाऊँगा कैसे करते हैं जब हम इसको कॉल करेंगे। सो यहाँ पर आपने इसका नाम ध्यान में रखना है कि सिंपल आर्टिकल, और ये आर्टिकल्स और ये आर्टिकल ये आपस में लिंक्ड हैं, ये कन्वेंशन है कि आर्टिकल्स के टेबल को आपने आर्टिकल एंटिटी के साथ लिंक किया, इस एक फाइल को क्रिएट करने का ये मतलब है, दिस इज़ कॉल्ड कन्वेंशन। तो मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ कहाँ पर कन्वेंशन है और कहाँ पर कन्फिग्रेशन है। अब अगेन इसमें भी हमें नेम स्पेस सबसे पहले सेट करना है। सो इसका नेम स्पेस क्या बनता है, ऐप मॉडल स्लैश एंटिटी, ओके। इसके बाद हमने इसमें भी सेम वही यूज़ करना है, क्या केक स्लैश ओ आर एम स्लैश एंटिटी। यहाँ पर अब हमने टेबल को यूज़ नहीं करना, एंटिटी को यूज़ करना है। अब क्लास आर्टिकल एक्सटेंड्स एंटिटी। सो यहाँ तक ये क्या थी, ये थी कन्वेंशन। कन्वेंशन में अब हम इसकी कन्फिग्रेशन करने जा रहे हैं। तो कन्फिग्रेशन में हमें एक प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है, एरे है, जो एरे की सूरत में प्रॉपर्टी है प्रोटेक्टेड, उसका नाम है डॉलर साइन अंडरस्कोर एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब है कि कौन कौन से एक्सेसिबल हैं। तो इसमें यहाँ पर हमने लिखा ये हमारे पास एरे है, अब इसके अंदर हमने एक्सेसिबल कॉलम्स का नाम बताना है। सबसे पहले हम ऑलवेज मेंशन करते हैं कि स्टैटिक इट मीन्स तमाम, और ट्रू सिंपली अगर मैं इतना लिख के छोड़ देता हूँ तो इसका मतलब है कि एक टेबल में से जो एक रो सिलेक्ट होगी उसके तमाम के तमाम कॉलम्स मुझे रिटर्न करने चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई मुझे आईडी को देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आईडी को फॉल्स कर देता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ मुझे स्लग को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको भी फॉल्स कर देता हूँ। तो जब हम इस तरीके से लिखते हैं, सो इट मीन्स इसका मतलब है कि एक्सेसिबल प्रॉपर्टी विच कंट्रोल्स हाउ प्रॉपर्टीज़ कैन बी मॉडिफाइड बाय मास, सॉरी मास किस तरीके से
इनको मॉडिफाई किया जा सकता है। ये बेसिकली सॉरी रिटर्न नहीं करता, बेसिकली एक्सेसिबल से यहाँ से ये मुराद है कि जब हम आईडी पास करेंगे तो उसको चेंज नहीं करना, स्लग को चेंज नहीं करना। आप टाइटल चेंज करें उसका, पोस्ट का, आप उसका कंटेंट चेंज करें तो स्लग को चेंज नहीं करना, तमाम फील्ड्स को चेंज करना ट्रू है, लेकिन आईडी और स्लग को आपने चेंज नहीं करना। सॉरी, ये इसका मकसद है एक्सेसिबल का। वो एक और प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि सर्टन कॉलम्स या रोज जो है वो शो ना करें। तो ये हमने मॉडल अपना सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। अब हम बढ़ेंगे कंट्रोलर की तरफ कि किस तरीके से हमने कंट्रोलर क्रिएट करना है जो कि और इस डाटा को फेच करेगा, उसमें हम फिर कन्वेंशंस और कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। अब हमने देखना है कि कंट्रोलर्स कैसे क्रिएट करने हैं। तो जिस तरीके से हमने मॉडल टेबल और एंटिटी क्रिएट किया मॉडल के फोल्डर में, इसी तरीके से हमने कंट्रोलर के टेबल के अंदर अपना कंट्रोलर क्रिएट करना है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको तीन कंट्रोलर्स मिलेंगे। ऐप कंट्रोलर से नॉर्मली हम जो भी कंट्रोलर है वो एक्सटेंड करते हैं, और ये वाला पेज कंट्रोलर बेसिकली हमारा जो रूट कंट्रोलर है ये पेज कंट्रोलर है। जब भी आप kcms.test लिखते हैं तो ये जो कंट्रोलर है ये बेसिकली लोड होता है और ये आपको सारी वो चीज़ें लोड करके पेज पर देता है। इसमें हमें अभी इस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। कंट्रोलर क्रिएट करेंगे हम आर्टिकल्स कंट्रोलर के नाम से। इस कंट्रोलर के अंदर हमने लिखना है, न्यू फाइल क्रिएट करनी है आर्टिकल्स, ये एक कन्वेंशन है। आर्टिकल्स कंट्रोलर एक कन्वेंशन है जिसका मतलब है कि ये हमारे पास एक ऐसा कंट्रोलर है जो कि आर्टिकल्स से रिलेटेड है। इसका नेम स्पेस सबसे पहले हमने डिफाइन करना है, नेम स्पेस, और नेम स्पेस इसका होगा ऐप स्लैश कंट्रोलर, कंट्रोलर्स नहीं है ये कंट्रोलर है। उसके बाद इसकी जब क्लास क्रिएट करेंगे तो सेम आपने आर्टिकल कंट्रोलर नाम देना है, आर्टिकल्स कंट्रोलर, सॉरी नॉट आर्टिकल, आर्टिकल्स कंट्रोलर, जो कि एक्सटेंड होगा, एक्सटेंड्स ऐप कंट्रोलर। ये ऐप कंट्रोलर आपका रूट पे इसी पे मौजूद है, ये वाला ऐप कंट्रोलर ये आपका डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है जो कि इनिशियलाइज करता है कंपोनेंट्स को। अगर ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपको हर कंट्रोलर में चाहिए और चूंकि आपने हर कंट्रोलर को ऐप कंपोनेंट से लोड करना है तो आप उसको उस कंपोनेंट को यहाँ पर लोड करेंगे इस कंट्रोलर के अंदर। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक सर्टन कंपोनेंट्स सर्टन कंट्रोलर्स के लिए सिर्फ चाहिए, तमाम के लिए नहीं चाहिए, तो आप उनको फिर पर्टिकुलर कंट्रोलर्स में लोड करते हैं। जैसे आर्टिकल्स के लिए हमें सिर्फ आर्टिकल्स टेबल चाहिए तो मुझे उसको यहाँ ऐप कंट्रोलर के अंदर मेंशन करना फजूल है, तो मुझे उसको मेंशन करना चाहिए था आर्टिकल कंट्रोलर्स में। ये एक एग्जांपल है या कन्वेंशन आप कह सकते हैं इसको। अब कन्वेंशन दूसरी ये है कि अगर मैं लिखूँगा यूआरएल इस तरीके से, मैं यहाँ पर ब्राउज़र में आके आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ /test/articles तो केक पीएचपी को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मुझे आर्टिकल्स कंट्रोलर को लोड करना है। इसके अंदर फिर हमें पहला अपना फंक्शन क्रिएट करना है। पब्लिक फंक्शन, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पहला फंक्शन जो होगा हमारा वो इंडेक्स फंक्शन होगा। अब ये जो इंडेक्स फंक्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होता है, मतलब मैंने आर्टिकल्स लिख के जब इंटर किया तो ये ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को लोड करेगा। लेकिन अगर मैं किसी और फंक्शन को लोड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा व्यू। इट मीन्स कि हमारे इस कंट्रोलर के अंदर एक व्यू नाम से फंक्शन भी होना चाहिए जो पब्लिक होना चाहिए, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट नहीं होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, तभी हम उसको लोड कर सकते हैं। अब इस इंडेक्स फंक्शन के अंदर हमें एक कंपोनेंट चाहिए, वो कंपोनेंट पेजिनेशन के लिए है। दिस लोड कंपोनेंट लिखेंगे हम और उसके अंदर पेजिनेटर मेंशन कर देंगे। पेजिनेटर का मतलब है कि हमें एक कंपोनेंट लोड करना है। अब ये बिल्ट इन कंपोनेंट है, इसको हमें अलग से इंस्टॉल नहीं किया, लेकिन हम अलग से काफ़ी सारे कंपोनेंट्स इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें माइग्रेशंस अवेलेबल नहीं है, तो लेकिन माइग्रेशंस का हमारे पास कंपोनेंट है, एक अलग से एक प्लगइन है, उसको इंस्टॉल करके उसको लोड कर सकते हैं हम। नेक्स्ट हमें आर्टिकल्स तमाम चाहिए। तमाम आर्टिकल्स हमने लिखे दिस पेजिनेटर, जैसे ही हम इस लोड कंपोनेंट करेंगे पेजिनेटर को तो हमारे पास एक पेजिनेटर का वेरिएबल अवेलेबल हो जाएगा जो कि दिस के साथ हम एक्सेस कर सकते हैं, और उसके बाद पेजिनेट और उसके अंदर दिस आर्टिकल्स फाइंड। देखिए अब इसमें कन्वेंशन ज़्यादा है, कन्फिग्रेशन कम है। कन्वेंशन क्या है कि पेजिनेट फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ दिस आर्टिकल्स फाइंड, मैंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ कि ये आर्टिकल्स क्या है, लेकिन चूंकि मैंने इसके साथ फाइंड का मेथड यूज़ किया
तो ये ऑटोमेटिकली आर्टिकल्स टेबल्स में जाएगा और वहाँ से आर्टिकल्स को फाइंड करेगा, और वो आर्टिकल्स टेबल ऑटोमेटिकली आर्टिकल एंटिटी से लिंक करेगा और आपको एज़ पर योर डायरेक्शन रोज जो है वो रिटर्न करेगा इस आर्टिकल्स के वेरिएबल में। उसके बाद जो नेक्स्ट तीसरी लाइन हमें लिखनी है, दिस सेट कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का फंक्शन किसी भी एरे को वेरिएबल्स में कन्वर्ट करता है, सो आर्टिकल्स पास करेंगे यहाँ पर, ये वाला जो नाम होगा ये वाला, ये नाम क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज होंगी, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, उनको एज अ वेरिएबल सेपरेटली आर्टिकल्स के जरिए हम एक्सेस कर सकेंगे इनसाइड ओवर टेम्पलेट। सो बस इतना हमने लिखना है, इसमें हमें ना ही बताने की ज़रूरत है कौन सा व्यू लोड करना है और ना ही हमें बताने की ज़रूरत है कौन सा टेम्पलेट लोड करना है। सो अब हमने एक मॉडल के बाद कंट्रोलर को सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया, अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है इसको कैसे लिस्ट करना है इन द टेम्पलेट। तो उसके लिए बहुत ही आसान है, इसकी यही टेक्निक यूज़ करते हैं जो हमने अभी कन्वेंशन की है, कि आपने आना है टेम्पलेट्स के फोल्डर में, टेम्पलेट्स के फोल्डर में आपने यहाँ पर क्रिएट करना है एक न्यू फोल्डर, और उसका नाम आपने वही रखना है जो आपने कंट्रोलर का नाम रखा है। ये जो कंट्रोलर का नाम है ना, ये वाला आर्टिकल्स, अगर ये आर्टिकल है तो यहाँ पर आर्टिकल होगा, यहाँ पर आर्टिकल्स है तो यहाँ पर आर्टिकल्स होगा, ये फोल्डर क्रिएट करना है। इस फोल्डर को क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने ये वाली फाइल क्रिएट करनी है। सो फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया जाता है कन्वेंशन फाइल में, तो अब आर्टिकल्स के अंदर इसके अंदर न्यू फाइल क्रिएट करूँगा index.php। सो इसका मतलब है कि जब मैं आर्टिकल्स लिखूंगा तो ये लोड करेगा आर्टिकल्स के अंदर से ये PHP फाइल। तो मैं अगर यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, सिंपल मैंने लिखा, अब मैं ब्राउज़र में आकर अगर आर्टिकल्स लिखता हूँ सिंपली /index भी लिख देता हूँ और इसको एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर वो मुझे रिटर्न कर देगा, ये कह रहा है पेजिनेटर, स्पेलिंग ठीक है, पेजिनेटर डिपगर कह रहा है, क्या एरर आ रहा है यहाँ पर, अनडिफाइंड आर्टिकल्स कंट्रोलर आर्टिकल्स इन आर्टिकल्स लाइन नंबर नाइन पर एरर दे रहा है, लेट मी सी क्या एरर है, आर्टिकल्स कंट्रोलर के अंदर लाइन नंबर आर्टिकल्स स्पेलिंग ठीक है इसके, आर्टिकल्स ही है, और दिस पेजिनेटर, और उसके अलावा क्या कह रहा है, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी आर्टिकल्स CLES आर्टिकल्स दैट्स फाइन आल्सो, कोई इसमें इशू नहीं है। ऐप के अंदर कंट्रोलर है, आर्टिकल्स कंट्रोलर है, और ये एक्सटेंड हो रहा है ऐप कंट्रोलर से। उसके बाद पब्लिक FUNC फंक्शन इंडेक्स है, दिस लोड कंपोनेंट ये भी ठीक है, और उसके बाद आर्टिकल्स इज इक्वल टू दिस पेजिनेटर पेजिनेट दिस आर्टिकल्स फाइंड एंड दिस सेट कॉम्पैक्ट, सो दिस इज फाइन, इसमें तो कोई इशू नहीं है। लेट मी अगेन, अच्छा यहाँ पर कह रहा है कोर SRC रिस्पॉन्स एमिटर, इसको एक दफा फिर रीड लोड करते हैं, अच्छा यहाँ पर ये हमें 9 नंबर लाइन पर दे रहा है आर्टिकल्स, ओके आई थिंक मुझे समझ लग गया, हमने एक्चुअली मॉडल के अंदर माय मिस्टेक है, मॉडल्स के अंदर जो हमने क्रिएट किया यहाँ पर, मॉडल के अंदर जो हमने मॉडल टेबल क्रिएट किया उसका नाम आर्टिकल्स रखा है और एंटिटी का नाम आर्टिकल है, तो आर्टिकल्स ए कैपिटल है, सो मैंने स्मॉल ए लिख दिया। सो ये कन्वेंशन है क्योंकि PHP केस सेंसिटिव है वेरिएबल्स में, तो इस वजह से यहाँ मुझे आर्टिकल्स लिखना चाहिए था, मैंने आर्टिकल्स ए विद स्मॉल लिख दिया, इसके अलावा तो और कोई इसमें इशू नहीं, ठीक है अब ये काम करेगा। सो अब ये कह रहा है कि आर्टिकल्स टेबल इनिशियलाइज मस्ट बी कंपेटिबल विद एरे कन्फिग वॉय, ओके तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि हमारे पास ये जो आर्टिकल्स कंट्रोलर है, सॉरी नॉट दिस वन, आर्टिकल्स इस पर एरर दे रहा है कंपेटिबल नहीं है, कह रहा है आर्टिकल्स टेबल के अंदर ये जो हमारे पास एरे है इसको वॉइड रिटर्न करना चाहिए,
मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, यहाँ पर मैंने रिटर्न नहीं लिखा, रिटर्न दिस बिहेवियर, तो ये वॉइड रिटर्न करेगा, उसके साथ कंपेटिबल नहीं है। सो यहाँ पर ये ठीक हो गया। ओके, अब वो कह रहा है कि टाइम स्टैम्प बिहेवियर कुड नॉट बी फाउंड। ओके, टाइम स्टैम्प के मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी, टाइम स्टैम्प, अब ये ठीक होगा। तो एरर्स, हाँ, तो अगर आपको हेलो वर्ल्ड यहाँ पर नज़र आ गया तो इट मींस हमने सक्सेसफुली अपने आर्टिकल्स का फर्स्ट व्यू क्रिएट कर लिया। सो इसको इंडेक्स भी लिख सकते हैं हम। सो थोड़े थोड़े बग्स आए थे, आते हैं बग्स, कोई मसला नहीं है, क्योंकि समटाइम स्पेलिंग मिस्टेक होती है समटाइम। अब ये जो इनिशियलाइज लिखा ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। बेक, इसमें बेसिकली ये टेबल डॉट पी एच पी है, इसमें इनिशियलाइज नहीं, ये वाली टेबल डॉट पी एच पी नहीं, ये टेबल हेल्पर है, सोर्स में है, माइग्रेशन नहीं है, ये है ओ आर एम का, ठीक है। इसमें हमारे पास यहाँ पर वो कह रहा था, क्योंकि इसमें चेंजेस आती रहती हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये सारी इसकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। सो इसमें इनिशियलाइज करते हैं जब हम इसको, INITIAL। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इनिशियलाइज लिखा हुआ है। तो ये है हमारे पास पब्लिक फंक्शन इनिशियलाइज। तो ये void रिटर्न कर रहा है। सो मैंने void नहीं लिखा था, तो इस वजह से यहाँ पर इसने ये वार्निंग दी हमें, तो void यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो हमारी वार्निंग ख़त्म हो गई। सो इस तरीके से अब हमने यहाँ पर इंडेक्स डॉट पी एच पी के अंदर यहाँ पर लोड करना है अपना डाटा, जो हमने डेटाबेस में, सॉरी कंट्रोलर के अंदर सेव किया था। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे आर्टिकल्स लिस्ट, उसके बाद हम टेबल कन्वेंशन को यूज़ करेंगे, इसमें टी हेड यूज़ करेंगे, टी आर यूज़ करेंगे, और उसमें टेबल हेडिंग यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हमें टाइटल चाहिए, उसके बाद हमें उसका क्रिएटेड, कब क्रिएट किया गया। सो ये दो फील्ड्स ही हमें चाहिए, उसके बाद टी बॉडी है, इसके अंदर भी टी आर होगी और टी डी होगी, और टी डी के अंदर हमने अब फॉर ईच लूप लगाना है और इसको डिस्प्ले करवाना है हर रो को अलग अलग टेबल्स में। तो यहाँ पर फौरन इसके बाद हमने टी बॉडी के फौरन बाद एक लूप लगाना है फॉर ईच, अब इसके लिए हमें पीएचपी चाहिए होगी। सो फॉर ईच आर्टिकल्स एज आर्टिकल, तो ये नॉर्मल स्टैंडर्ड पीएचपी की कन्वेंशन है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर कॉलन लगाऊंगा और यहाँ पर इसको मैं एंड फॉर ईच कर दूंगा, एंड फॉर ईच। तो सॉरी, ये हमारे पास है, अब लूप एक चल गया। इस लूप के अंदर यहाँ पर सबसे पहले हमें डिस्प्ले करवाना है इस टी डी के अंदर टाइटल, और उस टाइटल को हमने लिंक करना है उस सिंगल पोस्ट के साथ। तो यहाँ पर शॉर्ट एंड नोटेशन में मैं लिखूँगा, पी एच पी टैग क्लोज किया, दिस एच टी एम एल। अब दिस एच टी एम एल से मुराद ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक हेल्पर फाइल है, इसके अंदर केक पी एच पी के जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर एच टी एम एल की एक हेल्पर फाइल है, उसके अंदर एक लिंक का मेथड है जिसको हम कॉल करेंगे और उसको आर्टिकल टाइटल पास कर देंगे, और उसके बाद हम ये बताएंगे कि किस कंट्रोलर के साथ इसको एक्शन देना है और कौन सी प्रॉपर्टी के साथ इसको एक्शन देना है। सो एक्शन व्यू मेथड को कॉल करना है और आर्टिकल स्लग को इसके एक्शन के साथ ऐड कर देना है, मतलब जो यूज़र जो लिंक बनेगा वो बनेगा kxcms.test/view/, और उसके बाद आपके आर्टिकल का जो भी स्लग होगा वो ऑटोमेटिकली उसके साथ अपेंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका टाइटल है। उसके बाद नेक्स्ट टी डी में हमने कब क्रिएट की गई ये पोस्ट वो मैंशन करना है, तो अगेन हम शॉर्ट एंड नोटेशन यूज़ करेंगे, इसको क्वेश्चन मार्क इक्वल साइन को एको की स्टेटमेंट कहा जाता है। सो आर्टिकल क्रिएटेड, फॉर्मेट इसका देंगे हम। सो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट कॉन्स्टेंट हैं, उनमें एक है RFC 850, ये हमारे पास एक समझ लें कि डेट अंडरस्कोर RFC 850 जो है एक डेट का कॉन्स्टेंट है जो कि हमें एक स्पेसिफिक डेट डिस्प्ले करता है। सो बस इतना ही हमने इसके अंदर करना है, ये हमारे जो कंप्लीट हो चुके डाटा। अब मैं इसको पेज को जब रीलोड करूँगा
सो अब उसने हमें एक पोस्ट जो हमने डमी पोस्ट क्रिएट की थी वो यहाँ पर सक्सेसफुली शो कर दी। अब ये जो क्रिएटेड का जो सिंटैक्स है ना, ये वो RFC का जो सिंटैक्स है वो है। तो इसकी मदद से हम जो है वो अब तमाम पोस्ट को लिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिस HTML वाली स्टेटमेंट लिखी थी उसने ये काम किया था। यहाँ पर आप जब माउस होवर करेंगे तो आप देखेंगे बॉटम लेफ्ट साइड पर आपके पास एक URL बनेगी। सो अगर आपको यहाँ पर URL नज़र आ रही हो तो वो है cakecms.test/articles/view/first-post। अब ये जो फर्स्ट डैश पोस्ट है ना, ये स्लग है इसका। सो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, स्लग हमें इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होकर सेव होगा। वो हम देखेंगे आगे चल के कैसे जनरेट करते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस पर जब मैं क्लिक करूँ तो ये व्यू वाला फंक्शन कॉल करे आर्टिकल्स के कंट्रोलर में से। सो आर्टिकल्स स्लैश व्यू का मतलब है कि आर्टिकल्स के फोल्डर के अंदर, सॉरी आर्टिकल्स के फोल्डर नहीं, आर्टिकल्स कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर जो SRC फोल्डर कंट्रोलर है उसमें आर्टिकल्स कंट्रोलर का ये जो कंट्रोलर है इसके अंदर एक फंक्शन हो, पब्लिक फंक्शन व्यू। अगेन इसको कहा जाता है कन्वेंशन। सो यहाँ पर ये पास होगा सेलेक्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट नल होगा, इसको आप नल ही रखेंगे। वैसे इसको नल नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये लाजमी हमने पास करना है, तो इसलिए इसको नल ना ही रखें तो बेहतर है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको नल रख रहा हूँ। अब मैं करूँगा आर्टिकल्स, आर्टिकल सिंगल आर्टिकल की अब बात हो रही है, मल्टीपल नहीं। सो दिस आर्टिकल्स, अगेन वही तरीका, फाइंड बाय स्लग। सो फाइंड बाय स्लग हमारे पास एक मेथड है जिसको हम स्लग जब पास करेंगे तो ये हमें एक रिटर्न करेगा रिकॉर्ड, और उसको फिर हम फर्स्ट रिकॉर्ड या फेल कर देंगे। सो फर्स्ट और फेल का मेथड ये काम करेगा कि अगर तो रिकॉर्ड हमें मिल गया सो वेल एंड गुड, वो हमें रिकॉर्ड रिटर्न कर देगा, अदरवाइज 404 पेज पर फेल का या जो भी उसने डिफ़ॉल्ट फेल पे आपने रखी है उसकी कमांड वो एग्जीक्यूट हो जाएगी या वो लिंक एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगी। उसके बाद हमने सिंपली लिखना है दिस सेट, जो हमने इंडेक्स में भी लिखा था, कॉम्पैक्ट आर्टिकल। अब यहाँ पर आर्टिकल्स नहीं लिखना, देखिए दो लाइनें सिर्फ हमने लिखी। अब फाइंड बाय स्लग और इसमें इसने इसको ओपन कर दिया, तो अब मैं इसको पेज एक दफ़ा रीलोड करता हूँ। अब अगर मैं इसको क्लिक करूँगा फर्स्ट पोस्ट को, तो इसने इस आर्टिकल कंट्रोलर में से इस व्यू को कॉल करना है और इसने इसको सेट कर देना है। उसके बाद इसने कहना कि भाई मुझे टेम्पलेट नहीं मिला, सो अब हम इसको टेम्पलेट भी दे देते हैं। सो टेम्पलेट हम क्रिएट करेंगे अगेन आर्टिकल्स के फोल्डर में, और उसका नाम वही रखेंगे जो फंक्शन का नाम है। सो फंक्शन का नाम व्यू है तो हम रखेंगे view.php। तो ऑटोमेटिकली cakepHP को पता चल जाएगा कि ये कन्वेंशन view.php को लोड करने की है। सो यहाँ पर अब हमने लिखना है H1 और इसके अंदर हम लिखेंगे शॉर्ट हैंड नोटेशन इक्वल टू सिंबल, और यहाँ पर लिखेंगे अब यहाँ पर हमारे पास इसका आर्टिकल टाइटल इस तरीके से हम लिखेंगे। उसके बाद पैराग्राफ में आर्टिकल का जो बॉडी था वो आर्टिकल की जो बॉडी है, आर्टिकल बॉडी मतलब जो उसका कंटेंट कह रही है, और उसके बाद हम एक पी टैग और लगाएंगे, उसके अंदर स्मॉल का टैग लगा के इसको डिस्प्ले करेंगे कि क्रिएटेड, और उसका फॉर्मेट वही देंगे। सो अगेन हमें क्रिएटेड, और यहाँ पर हम वही फॉर्मेट यूज़ करेंगे आर्टिकल क्रिएटेड, और फॉर्मेट और डेट अंडरस्कोर RFC 850। तो जो भी RFC 850 का फॉर्मेट है वो यहाँ पर लोड कर, सो सेव इसको किया। उसके बाद नेक्स्ट हम एक और पी का टैग लगाएंगे, और यहाँ पर हम बेसिकली एडिट का लिंक, जिस तरह हमने व्यू का लिंक क्रिएट किया उसी तरीके से एडिट का लिंक क्रिएट करेंगे। सो दिस HTML लिंक, सेम वही टेक्निक, और इसको हम टाइटल देंगे एडिट का, जिस तरह उसको दिया था टाइटल का। तो यहाँ पर हम फिक्स दे रहे हैं एडिट, वहाँ पर हमने उसका जो भी टाइटल था उसको यूज़ किया था व्यू में। सो आर्टिकल, इसके बाद हम इसके एक्शन को, एक्शन की बात करेंगे, एक्शन कौन सा होगा एडिट का। सो इट मीन्स हमें अब आर्टिकल्स कंट्रोलर के अंदर एडिट का फंक्शन क्रिएट करना है। सो उसको क्या पास करना है, हमने आर्टिकल स्लग, स्लग की बेस पर हम रिकॉर्ड को फाइंड करेंगे और उसको अपडेट करेंगे। सो ये हमारे पास सक्सेसफुली, आप चाहें तो यहाँ पर सेमी कॉलन लगा सकते हैं, ना चाहें तो ज़रूरत भी नहीं है। सो ये हमारे पास है सिंगल
आर्टिकल टाइटल। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ फर्स्ट। अब एक्चुअली फर्स्ट पर ये जाएगा तो ये ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको एक दफ़ा मैं कमेंट कर देता हूँ इसको, अगर ब्रेक ना करे तो। फर्स्ट पोस्ट पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल्स व्यू फर्स्ट उसने जनरेट किया, उसने वही हमें एरर दे दिया ये एको स्टेटमेंट की वजह से। एनीवे अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो ये देखिए हमारे पास फर्स्ट पोस्ट आ गई, दिस इज़ द फर्स्ट पोस्ट क्रिएटेड ऑन मंडे। अच्छा अब इस स्टेटमेंट को मैं अनकमेंट करता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एडिट का लिंक आ गया। अब ये एडिट का लिंक हमें क्या बता रहा है, ये एडिट का लिंक बता रहा है कि अब मुझे एडिट का फंक्शन चाहिए और उसके अंदर स्लग मैंने पास करना है, स्लग की बेस पर अपने रिकॉर्ड फाइंड करना है और फिर उसको एडिट करना है। तो अब हम एडिट करेंगे रिकॉर्ड को। सो अब हम बात करते हैं इसको, बल्कि एडिटिंग एडिटिंग से पहले हम एडिंग आर्टिकल्स पे बात कर लेते हैं कि हमें रिकॉर्ड को ऐड किस तरीके से करना है। सो ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर आना पड़ेगा वापस सबलाइन में, और सबलाइन में जो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल्स कंट्रोलर है उसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पर आर्टिकल्स कंट्रोलर, इसमें ये जो कंपोनेंट्स है ना, इनको हमने जो भी कंपोनेंट्स इस आर्टिकल से रिलेटेड होंगे उनको हम एक और फंक्शन में लोड करेंगे, वो है पब्लिक फंक्शन इनिशियलाइज, INITIALIZE। और इसमें हम पास क्या करते हैं, इस कंट्रोलर के अंदर जो है ये कुछ भी फंक्शन नहीं लेता, लेकिन मॉडल के अंदर आपने देखा था कि हमने इसको पास किया था कन्फिग एरे, तो यहाँ पर हमें कुछ भी पास करने की ज़रूरत नहीं है। सो पब्लिक फंक्शन इनिशियलाइज, ये सेम लाइक अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट फंक्शन है जो PHP के अंदर है। इसके बाद हम लिखेंगे कि पेरेंट इनिशियलाइज, इसका मतलब है कि जो इसका पेरेंट है जो कि ऐप कंट्रोलर है उसके अंदर जो भी इनिशियलाइज के अंदर मॉडल्स वगैरह कंपोनेंट्स हैं उनको लोड कर लो। प्लस हम उसको कह रहे हैं कि दिस लोड कंपोनेंट पेजिनेटर। अब आप कह रहे होंगे कि भाई पेजिनेटर तो हमने लिखा हुआ है, इसको अब हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसको सिंगल कंस्ट्रक्ट में समझ लें कि उसको लोड कर रहे हैं। और एक दूसरा हमें चाहिए दिस लोड कंपोनेंट, ये कंपोनेंट हमें चाहिए फ्लैश। फ्लैश का मतलब है कि सिंगल रिक्वेस्ट जो जाएगी उसके अगेंस्ट आपको एक सिंगल मैसेज मिलेगा और वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट पर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, तो ये फ्लैश कंपोनेंट है। तो ये हमने थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन कर दी। अब आप कहीं पर भी इसके अंदर ऐड का फंक्शन क्रिएट करेंगे ऐड का, तो यहाँ पर मैं एंड पर क्रिएट कर लेता हूँ पब्लिक, या फिर एंड की बजाय मैं इसको यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ पब्लिक फंक्शन ऐड। अब इसको डेफिनेटली उसमें लिखा था कि वो एडिट का था, ऐड का नहीं, ऐड में हमें ज़रूरत नहीं है पास करने की स्लग वगैरह ऐड, क्योंकि डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड ऐड करना है हमने। सो सबसे पहले केक PHP के अंदर एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कि आर्टिकल को रेंडम जनरेट करना, जिस तरह हम क्लास को जनरेट करते हैं, किसी भी क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से हम इसमें भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे लेकिन डिफरेंट टेक्निक के साथ। तो इसमें हम लिखेंगे दिस आर्टिकल्स, आपको समझ लगी होगी कि आर्टिकल से मुराद यहाँ पर आर्टिकल्स मॉडल है। सो उसके बाद न्यू एम्प्टी एंटिटी, सो इसका मतलब है कि एक इनिशियलाइज करो एम्प्टी एंटिटी और उसको आर्टिकल के अंदर सेट कर दो। आर्टिकल अब हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम यहाँ पर, मैं आपको इसमें आई थिंक डाई एंड डंप नहीं होता, मैं प्रिंट आर करके आपको दिखा देता हूँ आर्टिकल और इसको एग्जिट कर देता हूँ। अब मैं इसमें आऊँगा तो यहाँ पर अब मैं लिखूँगा आर्टिकल्स ऐड स्लैश ऐड, तो ऑटोमेटिकली इसने हमें ये देखिए ऐप मॉडल आर्टिकल ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल ID स्लग डायरेक्टरी ओरिजिनल एरे ये इसने हमें रिटर्न कर दिया था, ये उसकी एंटिटी है। सो आर्टिकल्स रिपोजिटरी, रिपोजिटरी पैटर्न होता है PHP के अंदर जो कि एक डिज़ाइन पैटर्न है और ये ऑटोमेटिकली आर्टिकल्स को लोड करता है। सो ये कुछ नहीं करेगी, इसने हमें सिंपली एक आर्टिकल की एंटिटी या आर्टिकल का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करके दे दिया जिसकी मदद से हम रिकॉर्ड को एडिट या इंसर्ट कर सकते हैं। फिर हमने ये चेक करना है कि ये तो इनिशियलाइज होगी, अगर दिस रिक्वेस्ट जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आएगी, रिक्वेस्ट वाले ऑब्जेक्ट के, सो इज पोस्ट। जाहिर बात है जब हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, सो अगर वो पोस्ट है सो आर्टिकल जो वेरिएबल हमने बनाया उसके अंदर पैच कर दो आर्टिकल्स।
अब इसमें हमारे पास है पैच एंट्री एंटिटी सॉरी एंटिटी। सो पैच एंटिटी का मतलब है कि जो हमने न्यू एंटिटी एंटिटी क्रिएट किया उसको पैच कर दो और उसके अंदर हमने रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, बाद में हम सेव करेंगे। सो उसके आर्टिकल आर्टिकल से मुराद ये वाला आर्टिकल है। सो हमने पैच करे एंटिटी को, सो ये हमारे पास एंटिटी है, उसके एंटिटी ये वाली। अब ये जो वेरिएबल है ना, ये डिफरेंट वेरिएबल हम क्रिएट करें, ये डिफरेंट वेरिएबल है, ये डिफरेंट वेरिएबल है, आप इसको सेम ना लीजिएगा। या मैं इसको कह देता हूँ आर्टिकल एंटिटी और आर्टिकल सिंपल आर्टिकल कह देता हूँ। सो इसमें हमें अब आर्टिकल एंटिटी पास करनी है, ये डिफरेंस है इनमें। फिर दिस रिक्वेस्ट गेट डाटा। सो गेट डाटा का फंक्शन ऑटोमेटिकली पोस्ट या गेट जो भी रिक्वेस्ट होगी उसके बेस पर डाटा को गेट कर लेगा। यहाँ पर आपने जहन में रखना है कि जो आपके ने क्रिएट करना है ऐड के टेम्पलेट, उसमें जो नेमिंग कन्वेंशन है, जो स्पेशली नेम एट्रीब्यूट है, उसको आपने वही देना है जो आपके डेटाबेस एंट्री के अंदर कॉलम का नेम है। सो गेट डाटा कर लिया और इसमें अब हमने एक यूज़र को इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर्टिकल यूज़र अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू 1। सो अब हमने इस आर्टिकल के अंदर यूज़र आईडी 1 जो डिफ़ॉल्ट है, अब इसको जब ऑथेंटिकेशन होगी तो डेफिनेटली ये डायनामिक होगी और जो भी लॉग्ड इन यूज़र होगा उसकी आईडी आएगी। फिलहाल हमने इसको इसी तरीके से लिखा। फिर हमने लिखा इफ़ आर्टिकल दिस आर्टिकल्स सेव आर्टिकल, अगर तो रिकॉर्ड सक्सेसफुली डेटाबेस के अंदर सेव हो जाता है, ये वाला आर्टिकल वाला रिकॉर्ड सक्सेसफुली डेटाबेस के अंदर सेव हो जाता है और इंसर्ट हो जाता है, तो दिस फ्लैश सक्सेस। और यहाँ पर हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर बेसिकली एको के लिए यूज़ करते हैं, ट्रांसलेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो योर, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, योर आर्टिकल हैज़ बीन सेव्ड। अच्छा, वो जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इसलिए यूज़ करते हैं कि मे बी आप कोई ट्रांसलेशन वगैरह इसमें ऐड करना चाहें तो ये ऑटोमेटिकली फिर उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा जब भी आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को सेटअप करेंगे। फिलहाल हमारे पास इंग्लिश ही है तो लेट्स गो। फिर रिटर्न दिस रीडायरेक्ट करेंगे, ये हमारे पास ग्लोबल ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है और इसमें हम बताएंगे कि कौन सा एक्शन हमने रीलोड करना है। सो उसने हमने कहा जी एक्शन इंडेक्स पर रीडायरेक्ट कर दो। अब यहाँ पर देखिए, हमने मेंशन नहीं किया कि कौन सा इंडेक्स, तो ऑटोमेटिकली वो इसी आर्टिकल्स वाले को रीडायरेक्ट करेगा। दिस इज़ अगेन कॉल्ड कन्वेंशन, इट इज़ नॉट कॉल्ड कन्फिग्रेशन, ये कन्वेंशन है जिसमें हमने सिर्फ एक्शन बताया, इंडेक्स हमने ये नहीं बताया कि कौन सा कंट्रोलर है, कौन सा मेथड है, सिर्फ हमने उसको एक्शन इंडेक्स बता दिया। तो ऑटोमेटिकली वो चूंकि इस एनवायरनमेंट में केक पीएचपी ऑटोमेटिकली इसको आर्टिकल्स स्लैश इंडेक्स पर रीडायरेक्ट कर देगा। सो अगर सेव नहीं होता रिकॉर्ड, सो दिस फ्लैश एरर और अनेबल टू ऐड योर आर्टिकल, ये वाला एरर शो कर दो। उसके बाद सिंपली हम दिस सेट कर देंगे आर्टिकल आर्टिकल, ये अब इसलिए हम सेट कर रहे हैं ताकि ये अगर ये तो यहां पर तो वो आएगा उसी सूरत में जब रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, और यहाँ पर हमने दोबारा इसको सेट कर दिया, इसका मतलब है कि वापस वही डाटा जो यहाँ पर आर्टिकल में आया है, एक्चुअली ये आर्टिकल में, हाँ आर्टिकल में ही जो रिकॉर्ड है उसको वापस वो उसको पेस्ट कर दे यूज़र को। सो आई थिंक आर्टिकल वो तो एम्प्टी होगी, सो यहाँ पर हम उसको पास कर देंगे आर्टिकल। सो दैट्स वेरी सिंपल, थोड़ी सी इसमें लेंथी प्रोसेस था एड में कि हमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना पड़ रहा है, बट एनी हाउ ये हमारे पास रिकॉर्ड किस तरीके से हमने इंसर्ट करना है। अब इसका टेम्पलेट कैसे क्रिएट करना है इस एड का, तो अगेन वही कन्वेंशन, न�ॉट कन्फिग्रेशन, व्यू के अंदर, सॉरी नॉट व्यू, टेम्पलेट के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर, न्यू फाइल एड डॉट पी एच पी, सिंपल। सो अगर आप एड आर्टिकल का नाम बताएंगे तो आपने यहाँ पर फिर एड आर्टिकल के नाम से फाइल क्रिएट करनी है। सो H1 एड न्यू आर्टिकल को कह दिया इसको, और उसके बाद इसमें हम वही चाहे तो एकोज यूज़ कर सकते हैं चाहे तो। अब हमने यहाँ पर चूंकि फॉर्म क्रिएट करना है तो इसलिए मैं यहाँ पर ये वाला ये टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। सो एको दिस फॉर्म, अब ये फॉर्म ऑब्जेक्ट भी हमारे पास अवेलेबल है, सो क्रिएट
आर्टिकल। सो ये एक हमें डिफ़ॉल्ट फॉर्म क्रिएट करके देगा जिसमें हम आर्टिकल वेरिएबल जो अभी हमने यहाँ पर सेट किया था एड डॉट, यहाँ पर ये वाला वेरिएबल ये यहाँ पर आ जाएगा इसके अंदर आर्टिकल के अंदर। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स ऐड करने टू इंसर्ट द न्यू रिकॉर्ड। सो एको दिस फॉर्म कंट्रोल। अच्छा यहाँ पर आई थिंक एक और इशू है कि आर्टिकल एंटिटी, अगर हम इसको आर्टिकल एंटिटी रखें तो मेरे ख्याल में इसको मैं ना आर्टिकल ही कर देता। इसकी रीज़न ये है, मैं अभी आपको समझाता हूँ मैं इसको क्यों आर्टिकल कर रहा हूँ। मेरे जहन में ये आइडिया है कि देखिए अगर मैं इस आर्टिकल को आर्टिकल एंटिटी करूँगा और इस आर्टिकल को आर्टिकल रखूँगा तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जब ये वाला सेट करेगा आर्टिकल्स तो यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल में डाटा नहीं आएगा। एम्प्टी ऑब्जेक्ट अगर हुआ, मतलब फर्स्ट टाइम हम लोड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट पोस्ट नहीं है, ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो उसको आर्टिकल का वेरिएबल नहीं मिलेगा। उस केस में हमारे पास यहाँ पर आर्टिकल एंटिटी है। अब दूसरा केस उसका ये है कि दूसरे केस में इफ़ जब पोस्ट रिक्वेस्ट आती है और आर्टिकल में रिकॉर्ड आ जाता है सारा, लेकिन वो सेव नहीं होता। जब सेव नहीं होगा तो डेफिनेटली उसने फिर इसको कोई एरर वगैरह देना, ये वाला एरर। यहाँ पर तो रीडायरेक्ट कर रहे हैं सेव होने की सूरत में, लेकिन यहाँ पर रीडायरेक्ट नहीं कर रहे, यहाँ पर सिंपली दिस फ्लैश एरर कर रहे हैं और उसके बाद सिंपली यहाँ पर दिस सेट कर रहे हैं। सो इट मीन्स इस केस में फिर हमें आर्टिकल एंटिटी नहीं पास करना बल्कि आर्टिकल पास करना है। तो इस केस के लिए इन दोनों का नेम जो है हमने सेम रखा है, लेकिन डिफरेंस यही है कि ये आर्टिकल ब्लैंक एंटिटी है और ये आर्टिकल हमारे पास पैच एंट्री के साथ है, एंटिटी के साथ है। जो ये कन्फ्यूजन थोड़ी सी मैंने और आपकी क्लियर कर दी। सो यहाँ पर कंट्रोल ऐड किया। अब इस कंट्रोल का मतलब है कि इस कंट्रोल, ये टेक्स्ट कंट्रोल होगा। सो दिस फॉर्म कंट्रोल और इसका जो नेम होगा यूज़र अंडरस्कोर आईडी, मैंने कहा था कि इसके जो नेम कन्वेंशन है वो आपने वही कॉलम वाले रखने हैं। सो ऑटोमेटिकली इनको सेट करेगा। सो इसकी टाइप हिडन रखें, आप मेंशन कर सकते हैं जो भी टाइप आप रखना चाहें। वैल्यू डेफिनेटली वन जो कि डिफ़ॉल्ट हमने रखी है। और एको दिस फॉर्म कंट्रोल, इसी तरीके से हमने फॉर्म कंट्रोल टाइटल। अब यहाँ पर मैं ये टाइप वगैरह मेंशन नहीं कर रहा, वैल्यू वगैरह मेंशन नहीं कर रहा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एक तो उसको उठाएगा वैल्यू को, दूसरा उसकी टाइप टेक्स्ट है बाय डिफ़ॉल्ट। फॉर्म कंट्रोल, सॉरी फॉर्म कंट्रोल नहीं लिखना, सिर्फ कंट्रोल लिखना। सो टाइटल, उसके बाद इको दिस फॉर्म कंट्रोल, या लेकिन डिफरेंट है फॉर्म और कंट्रोल। सो फॉर्म और कंट्रोल। अब यहाँ पर बॉडी है हमारे पास, सो बॉडी हमने रखी और यहाँ पर इसको एक प्रॉपर्टी दे देते हैं रोज, इसकी 3 होनी चाहिए एडिशनल प्र॑ॉपर्टी। सो जैसे हम रोज 3 देंगे तो ऑटोमेटिकली वो इसको एज अ टेक्स्ट एरिया ले लेगा। सो उसके बाद एको दिस फॉर्म बटन। सो बटन का टाइटल क्या होगा, सेव आर्टिकल। एको दिस फॉर्म एंड। सो इसको हमने यहाँ पर एंड कर दिया। अब ये जो एको है, पहली वाली जो लाइन है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगी फॉर्म को और उसको पोस्ट कर देगी आर्टिकल स्लैश एड पर, क्योंकि हमने यहाँ पर आर्टिकल पास किया क्रिएट आर्टिकल। सो क्रिएट मेथड ये काम करेगा ऑटोमेटिकली, ये कन्वेंशन है अगेन। और ये भी सारी कन्वेंशन है, इसमें कन्फिग्रेशन नहीं है। अच्छा इस लाइन पे क्या कर रहा है, बॉडी कॉमा एरे। अच्छा मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्मार्ट एडिटर ने मुझे यहाँ पर ये ऑरेंज सा डॉट दिया कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मैं इक्वल साइन दे रहा हूँ। सो ये नोट कीजिएगा आप लेफ्ट साइड पर, अक्सर आपको स्मार्ट एडिटर बता देते हैं प्रॉब्लम कहीं पर वो। तो सो सेव किया इसको। अब हमारे पास ये ऐड आर्टिकल वाला सेक्शन सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। सो इसको हमने ऐड करना है तो डेफिनेटली हमने इसको इंडेक्स वाले व्यू में ऐड करना है। सो इंडेक्स में आते हैं और यहीं पर कहीं पर स्टार्ट पर इधर ऐड कर देता हूँ H4 के नाम से, H3 रख लेते हैं। सो दिस HTML लिंक, अगेन वही टेक्निक, और इस लिंक के अंदर हम पास करेंगे Add new article, और इस लिंक को फिर हम एक्शन देंगे, एक्शन एड। सो देखिए अगेन वही कन्वेंशन सेम। अच्छा मैंने क्लोज कर दी, ठीक है।
सो इसकी मदद से हमने H3 के अंदर ये एक हाइपरलिंक क्रिएट कर लिया, उसको एको कर दिया। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर ब्राउज़र में आता हूँ और आर्टिकल्स पर आता हूँ, तो यहाँ पर ऐड न्यू आर्टिकल का मेरे पास लिंक आ गया। तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये ऐड वाले फंक्शन को कॉल करेगा और उस ऐड वाले फंक्शन ने हमें फिर यहाँ पर रिकॉर्ड को रिटर्न करना। अच्छा, यहाँ पर एक अनडिफाइंड वेरिएबल आर्टिकल, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है लाइन नंबर 29 पर, और सेव नहीं किया मैंने इसको, सॉरी एरर्स नहीं है, सेव नहीं किया मैंने। खैर एनीवे, इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं तो अब हमारा जो आर्टिकल वाला ऐड न्यू आर्टिकल वाला जो है वो प्रोसेस ठीक हो जाए। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट करी होगी यहाँ पर कि ये ऑटोमेटिकली एक टेम्पलेट लोड कर रहा है। ये मैं आप फिर बताऊंगा अभी आपको कि ये जो आर्टिकल का टेम्पलेट है ये कैसे लोड हो रहा है। ये जो लेआउट से हमने ये जो डिफॉल्ट लेआउट क्रिएट किया हुआ है, ये वाला लेआउट, ये वाला ऑटोमेटिकली लोड हो रहा है, जो कि आई थिंक यूज़ कर रहा है बूटस्ट्रैप को। सो CSS बूटस्ट्रैप को बाई डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा है। तो ये सारी बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग है या इसकी अपनी, इसमें अभी इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास सारे आर्टिकल्स वगैरह क्रिएट हो चुके, और एडिंग सिंपल रिकॉर्ड का प्रोसेस यहाँ पर हमें टाइटल और बॉडी आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पर मेंशन करना मैंने ज़रूरी समझा कि स्लग जो होगा वो हम फ्रंट एंड के ज़रिए इंसर्ट नहीं कर सकते, मास असाइनमेंट के ज़रिए असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एंटिटी में मेंशन किया है कि आईडी जो कि ऑटो इंक्रीमेंट है उसको, और जो स्लग है वो हम खुद इंसर्ट करेंगे। स्लग को इंसर्ट करने के लिए हम मॉडल को यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें आना पड़ेगा वापस आर्टिकल्स मॉडल में। तो यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल्स का मॉडल है, सॉरी ये तो कंट्रोलर है, टेम्पलेट का व्यू है, ये मॉडल है, इसके अंदर आर्टिकल्स टेबल के अंदर हम आएंगे। अब इसके अंदर हमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट चाहिए, दो यूटिलिटीज चाहिए, टेक्स्ट क्लास एक चाहिए और एक इवेंट इंटरफेस चाहिए, ताकि हम इसको अपडेट कर सकें ये बिफोर सेविंग द रिकॉर्ड। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन बिफोर सेव, तो ये हमारे पास एक इवेंट इंटरफेस लेता है। इवेंट इंटरफेस, और उसको हम इवेंट के वेरिएबल में सेव करते हैं। दूसरा हमें एंटिटी चाहिए होती है, और तीसरा हमें ऑप्शंस, उसके जो भी हमने देने हो वो ऑप्शंस देते हैं कि किस तरीके का स्लग इंसर्ट होना चाहिए, वो अभी कंट्रोलर में हम ऐड करेंगे। बिफोर सेव को हमें वेब इंटरफेस देना है, तो यहाँ पर इंटरफेस आ गया केक इवेंट इंटरफेस में से। और उसके बाद नेक्स्ट हमने इसके अंदर एंटिटी इज न्यू, अब एंटिटी, ये जो हमने इवेंट इंटरफेस इसको एंटिटी पास की है, ये ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि इफ एंटिटी इज न्यू, ये एक फंक्शन है, और नॉट एंटिटी स्लग। कहने का मकसद ये है कि यहां पर हम उसको बता रहे हैं कि एंटिटी न्यू है और वो स्लग नहीं है, नॉट एंटिटी स्लग, वो डेटाबेस के अंदर सेव भी नहीं है कोई उसकी, सॉरी एंटिटी सेव नहीं है स्लग के अंदर, जो रिकॉर्ड रिटर्न हुआ एंटिटी हमारे पास आई है सिंगल एंटिटी, उसके अंदर स्लग मौजूद नहीं है। अगर नहीं है तो एक स्लग्ड टाइटल क्रिएट करो, स्लग्ड क्रिएट करो फ्रॉम टाइटल इज इक्वल टू टेक्स्ट कॉलन कॉलन स्लग एंटिटी टाइटल। तो इट मींस अब हम यहाँ पर उसको ये बता रहे हैं कि एक टेक्स्ट हमारे पास इंटरफेस है जो कि यूटिलिटी है, सॉरी टेक्स्ट यूटिलिटी है, उसको यूज़ करो और उसके फंक्शन स्लग को कॉल करो और उसके एंटिटी टाइटल को स्लग में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद हम यहाँ पर मेंशन करेंगे एंटिटी के अंदर जो स्लग की प्रॉपर्टी है उसको इसके साथ कंकेटिनेट कर देंगे। सब str सब स्ट्रिंग स्लग टाइटल, और ज़ीरो से लेकर इसकी लेंथ जो है 191 करेक्टर तक हो सकती है, इससे ज़्यादा लेंथी स्लग क्रिएट नहीं होगा। ये हमने सब स्ट्रिंग इसलिए मेंशन किया कि हो सकता है आपने टाइटल जो है वो 300 करेक्टर का दे दिया हो या 200 करेक्टर्स का दे दिया हो, तो उसमें वो ज़ीरो से लेकर 191 करेक्टर्स तक ही उनका स्लग क्रिएट करेगा, उसके बाद वाले को वो डिस्कार्ड कर देगा। सिर्फ हमने इतना ही इसके अंदर लिखना है। बिफोर सेव इफ़ एंटिटी न्यू एंटिटी स्लग है, तो ये ऑटोमेटिकली ये बिफोर सेव जो है ये कॉल होता है। ये एक आप समझ लें कि यहाँ पर अगर मैं माउस होवर करूँ, ये हमारे पास बिफोर सेव जो है ये फंक्शन है, सॉरी
ये इसके अंदर है हमारे पास टेबल डॉट पी एच पी के अंदर, ओ आर एम के अंदर। इसके अंदर है बिफोर सेव, ये देखिए मॉडल बिफोर सेव फायर, तो यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है। तो ये बिफोर सेव फायर होता है सबसे पहले रिकॉर्ड को सेव करने से भी पहले। सो वो एंटिटी को चेक करेगा न्यू है रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं या और एंटिटी में स्लग मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में वो इन दो लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो इनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा ऑटोमेटिकली। तो इतना ही है इसमें। अब हम बात करेंगे एडिट एक्शन की, एडिट किस तरीके से रिकॉर्ड को हमने करना है। तो रिकॉर्ड को एडिट करने के लिए हमें वापस जाना होगा कंट्रोलर अपने में, तो कंट्रोलर आर्टिकल कंट्रोलर है और इसमें एडिट का फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो एडिट का फंक्शन यहाँ पर ऐड के बाद क्रिएट कर लेते हैं, आप चाहें तो कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हैं फंक्शन एडिट। और अगेन जस्ट लाइक व्यू, ये भी एक स्लग एक्सेप्ट करता है और इसको मस्ट स्लग देना है। देखिए अब यहाँ पर हमने नलनी इसको रखा, सो उसके बाद हम आर्टिकल फाइंड करेंगे उस स्लग की बेस पर। सो आर्टिकल इज इक्वल टू दिस आर्टिकल्स फाइंड बाय स्लग स्लग। सो आर्टिकल फाइंड हुआ और या तो फर्स्ट और फेल, या तो वो फाइंड होगा या वो फेल होगा। फेल होने की सूरत में 404 और फाइंड होने की सूरत में नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। सो उसके बाद हम चेक करेंगे कि इफ दिस रिक्वेस्ट इज, अब यहाँ पर हम बताएंगे या तो पोस्ट हो या फिर पुट हो। सो एडिट में नॉर्मली पुट रिक्वेस्ट यूज होती है। सो अगर इन दोनों में से कोई एक है रिक्वेस्ट, तो क्या करो दिस आर्टिकल्स, अब चूंकि आर्टिकल वाले वेरिएबल में ऑलरेडी हमारे पास आर्टिकल आ चुका है, सो हमें न्यू एंटिटी एम्प्टी एंटिटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली पैच एंटिटी कर सकते हैं यहाँ पर। सो पैच एंटिटी आर्टिकल कॉमा दिस रिक्वेस्ट गेट डाटा, अगेन वही कि नेमिंग कन्वेंशन अच्छी होनी चाहिए। सो इफ दिस आर्टिकल्स सेव आर्टिकल, देन क्या करो, अगर सेव हो जाता आर्टिकल तो हम अगेन वही दिस फ्लैश सक्सेस योर आर्टिकल has been updated successfully। उसके बाद return कर दो this redirect action index। So index पर वापस हमें redirect कर दो, लेकिन अगर record save नहीं होता, so this flash error unable to update your article, or last and but not least this set article comma article। तो ये हमने सिंपल इसमें वेरिएबल को, एक सिंगल वेरिएबल को सेट कर दिया इस तरीके से। सो ये टेक्निक है हमारे पास एडिट की। एडिट और ऐड ऑलमोस्ट सेम है दोनों, सिर्फ इसमें पोस्ट रिक्वेस्ट हमने चेक की और इसमें पोस्ट पुट की, और इसमें हमने एंटिटी ब्लैंक क्रिएट की और इसमें हमने एंटिटी को डाटाबेस सॉरी यूआरएल से फेच किया कि आर्टिकल एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो 404 देगा अगर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर एक रिकॉर्ड है ही नहीं तो उसको एडिट कैसे करेंगे, उसको ज़रूर ऐड करना चाहिए हमें। खैर एनीवेज ये है हमारे पास एडिट का कंट्रोलर फंक्शन। अब इसका हमने क्रिएट करना है व्यू। सो टेम्पलेट में आएंगे, आर्टिकल्स में आएंगे और यहाँ पर क्रिएट करेंगे एडिट डॉट पी एच पी। सो न्यू एडिट डॉट पी एच पी नेमिंग कन्वेंशन। सो यहाँ पर हम H1 लिखेंगे और एडिट आर्टिकल, और इसकी जो एडिट आर्टिकल सिर्फ एड, बाकी इसका सेम यही होगा, इसको कॉपी कर लेते हैं एडिट में, और इसमें दिस फॉर्म क्रिएट आर्टिकल है, कंट्रोल है उसमें, और यहाँ पर सेव आर्टिकल, बाकी सेम ही इसमें, क्योंकि इसमें और तो कोई चीज़ नहीं। ऑटोमेटिकली आर्टिकल जब एम्प्टी एंटिटी नहीं होगा तो इसमें वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली वो पास हो जाएंगी और वो हम एडिट कर सकेंगे। सो दिस इज़ इट। इसके बाद हमने इसको ऐड कर दिया लिंक, हमने एडिट के लिए लिंक ऐड करेंगे किसके अंदर, इंडेक्स में। हर एक लिंक के साथ हमें एक लिंक ऐड करना है एक्शन सॉरी, तो यहाँ पर हम टेबल हेडिंग ऐड कर देते हैं एक्शन के नाम से, और टीडी में
और उसके साथ साथ हम यहाँ पर ऐड कर चुके हैं, ओके, यहाँ पर टी डी और एको दिस एच टी एम एल लिंक एडिट। अब ये जो है एडिट का लिंक है उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोस्ट के लिए। सो एडिट एक्शन, कौन सा एक्शन है, एडिट का एक्शन है कॉमा आर्टिकल स्लैग। ये सेम वही व्यू वाला जो हमने व्यू के लिए क्रिएट किया था ना कि टाइटल के अंडर अंडर जो है वो व्यू करेगा उसको, तो ये वही सेम टेक्निक है। दिस एचटीएमएल लिंक एडिट एक्शन एडिट एंड देन उस एडिट को पैरामीटर पास हो जाएगा आर्टिकल स्लैग का। सो दैट्स इट, हमारे पास अब व्यू करते हैं सबसे पहले आर्टिकल को एंड आर्टिकल्स में जाते हैं यहाँ पर यूआरएल में। तो यहाँ पर आप देखिए ऐड न्यू आर्टिकल टाइटल फर्स्ट पोस्ट क्रिएटेड दिस एक्शन दिस। सो अब हम इसको एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, ऐड न्यू आर्टिकल पे क्लिक करके न्यू आर्टिकल ऐड कर सकते हैं। सो मैं पहले ऐड करता हूँ न्यू आर्टिकल, देखते हैं कि वो काम कर रहे हैं या नहीं। सो दिस इज माय फर्स्ट आर्टिकल फॉर केक सीएमएस। सो दिस आर्टिकल इज क्रिएटेड यूजिंग ऐड न्यू फीचर इन केक सीएमएस 2020 वर्जन 4.1। सो ये कर ऐड अ न्यू, ओके, सेव आर्टिकल पे मैं क्लिक करता हूँ। सो योर आर्टिकल हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली और यहाँ पर हमारे पास वो आर्टिकल भी आ चुका है और अब हम इसको चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं अब इसको एडिट करना चाह रहा हूँ, तो देखिए हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। सो मैं यहाँ पर दिस आर्टिकल इज क्रिएटेड यूजिंग न्यू फीचर, मैं ऐड अ न्यू फीचर के बजाय यूजिंग न्यू फीचर्स, यूजिंग आ न्यू फीचर नहीं, यूजिंग न्यू फीचर्स इन केक सी एम एस वर्जन 4.1.x इन 2020। ये मैंने इसमें चेंजेस कर दिए और इसके अलावा केक सी एम एस को मैं स्पेस दे देता हूँ। सेव द आर्टिकल को, तो अब ये वो कह रहा है कि यहाँ पर आर्टिकल्स टेबल में पैथ एंटिटी, मैंने पैच एंटिटी नहीं लिखा, पाथ एंटिटी लिख दिया आई थिंक, ये पी ए टी सी एच पैच एंटिटी था और मे बी मैंने आर्टिकल्स टेबल में भी तो पा नहीं, यहाँ पर तो है ही नहीं है, यहीं पर था आर्टिकल्स कंट्रोलर में ये पैच एंटिटी था तो मैंने इसको पाथ एंटिटी लिख दिया था। हर एनी वे रीलोड करते हैं इसको, कंटिन्यू करते हैं, तो हमारा जो आर्टिकल है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब इसमें लास्ट जो फीचर है वो है इसको डिलीट करना। एडिट भी हमने चेक कर लिया और ऐड न्यू आर्टिकल और एडिट दोनों हमारे सही काम कर रहे हैं, इवन व्यू भी सही काम कर रहा है। यहाँ से भी हम इसको एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, ओके। तो अब हमने लास्ट देखना है इसको कैसे रिकॉर्ड को डिलीट करना है, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ भी कि अगर आप इस पर वैलिडेशन रूल्स लगाना चाह रहे हैं कि जो हमारी फील्ड्स हैं वो वैलिडेट होके फिर डेटाबेस में सेव हो, तो इस पर वैलिडेशन रूल लगाना भी बहुत ही आसान है इन केक पीएचपी। चलिए पहले वैलिडेशन रूल्स लगा लेते हैं फिर हम डिलीट वाले की तरफ बढ़ेंगे। सो वैलिडेशन रूल लगाने के लिए हम वापस आएंगे इसके अंदर मॉडल के अंदर टेबल के अंदर आर्टिकल्स टेबल के अंदर। अब यहाँ पर हमें एक वैलिडेटर चाहिए। सो वैलिडेटर के लिए हमारे पास पहले तो एक फंक्शन चाहिए। सो पब्लिक फंक्शन वैलिडेशन, ये हमारे पास फंक्शन है जो हम ओवरराइड करें, फंक्शन वैलिडेशन डिफ़ॉल्ट और इसको पास करेंगे वैलिडेटर इंटरफेस। वैलिडेटर आप कह सकते हैं इसको पैटर्न भी कहते हैं, फैक्ट्री पैटर्न या सो खैर जो भी वैलिडेटर, और ये रिटर्न भी करेगा वैलिडेटर। उसके बाद सेव करेंगे इसको। अब इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि इसकी वैलिडेशंस क्या क्या हैं। सो ये आई थिंक वैलिडेटर इस कैपिटल लेटर है, ओके। अब इसके अंदर इसको इंपोर्ट करते हैं ये F5। सो ये है हमारे पास केक वैलिडेशन वैलिडेटर। अच्छा इसमें कहीं पे मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक है, फंक्शन मैंने गलत लिखा था, ओके तो अब हमने सिंपली इस वैलिडेटर वैल्यू को कॉल करना है वैलिडेटर, और इसके बाद हम इसको मेंशन करेंगे नॉट एम्प्टी स्ट्रिंग। ये एक फंक्शन है जो कि वैल्यू लेगा टाइटल की
और इसके बाद इसमें हम बताएंगे कि इसके अंदर और क्या क्या होना चाहिए वैलिडेशन। नॉट एम्प्टी होना चाहिए, मीन लेंथ इसकी कितनी होनी चाहिए टाइटल की 10, मिनिमम जो लेंथ है और मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ कितनी होनी चाहिए टाइटल की 200 या 255 कह देते हैं। उसके बाद दूसरा इसमें नॉट एम्प्टी स्ट्रिंग, अब बॉडी की बात करते हैं, ये बॉडी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए और इसमें सिर्फ मीन लेंथ होनी चाहिए जो कि एटलीस्ट 10 हो, 10 करेक्टर्स हो। उसके बाद हम सिंपली रिटर्न कर देंगे वैलिडेटर। तो सिंपली हमने इस लाइन इतनी लाइंस लिखी और हमने वैलिडेशन क्रिएट कर ली। ये वाली जो वैलिडेशन है, पहली जो तीन है ये वाली, ये टाइटल की हैं और ये जो दो हैं ये वाली, ये बॉडी से रिलेटेड है। सेव किया। सो ये जो है ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आकर इसमें ऐड न्यू आर्टिकल करता हूँ और यहाँ पर मैं छोटा सा टाइटल देता हूँ, इस तरीके से छोटा सा बॉडी का सेक्शन भी देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। सो इसने कहा कि ओके, इसको अप्लाई भी करना है। वैलिडेशन डिफॉल्ट, आई थिंक नेमिंग कन्वेंशन, वैलिडेशन डिफॉल्ट, वैलिडेटर पब्लिक फंक्शन है। सो आर्टिकल्स इसको ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना चाहिए। रिटर्न वैलिडेटर, ठीक है, और ये वैलिडेटर ले रहा है वैलिडेटर। जब मेरे ख्याल में मैंने इसमें कोई और मिस्टेक कर दिया, टाइटल है मीन लेंथ, और क्योंकि अगर मैं ऐड न्यू आर्टिकल करता हूँ और इसको सेव करता हूँ तो इसको सेव नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पर ये सेव कर रहा है, इट मींस इसमें कोई ना कोई मैंने मिस्टेक कर दी, एम्प्टी है। एनीवेज पहले डिलीट वाला रिकॉर्ड ऐड कर लें, फिर हम देखते हैं कि ये क्यों वैलिडेशन डिफ़ॉल्ट जो है ये काम नहीं कर रही। सो डिलीट एक्शन, सबसे पहले हम आर्टिकल्स कंट्रोलर में आते हैं और यहाँ पर हमें एक पब्लिक फंक्शन डिलीट क्रिएट करना है। सो पब्लिक फंक्शन डिलीट, अब इसको अगेन हमने मस्ट स्लग पास करना है ताकि हम उस स्लग की बेस पर उसको डिलीट कर सकें रिकॉर्ड को। उसके बाद हमने इसको अलाउड मेथड बताने के, इसके मेथड कौन कौन से अलाउड हैं। पहले हमने देखा था कि इज मेथड चेक किया था कि ये इज मेथड कौन सा है। सो हम इसको अलाउड मेथड अलाउ कर रहे हैं, दिस रिक्वेस्ट अलाउड मेथड सिर्फ और सिर्फ पोस्ट और डिलीट है। तो ये हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इसको सिर्फ और सिर्फ अलाउड मेथड ही है। यहाँ पर हम इसलिए रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि हम एंटिटी एम्प्टी रिकॉर्ड को भी डिस्प्ले करें, या अगर रिकॉर्ड सही हम इंसर्ट नहीं करते तो भी वो हमें प्रॉब्लम मतलब आर्टिकल वापस रिटर्न करता। तो इसलिए हमने इसको इज के साथ चेक किया और यहाँ पर हम बता देंगे सिर्फ और सिर्फ पोस्ट और डिलीट मेथड अलाउ है। फिर हम आर्टिकल को फाइंड करेंगे, सिंपली आर्टिकल इज इक्वल टू दिस आर्टिकल्स, अब तक आपको आइडिया हो गया होगा, फाइंड बाय स्लग और स्लग पास करेंगे। उसके बाद फर्स्ट और फेल फंक्शन कॉल करेंगे। सो फाइंड हो गया, अब इफ दिस आर्टिकल्स डिलीट आर्टिकल, सिंपल डिलीट आर्टिकल सक्सेसफुल है तो वही ये टेक्निक, कॉपी पेस्ट और योर आर्टिकल हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, सिर्फ इतना चेंज है, बाकी उसमें सारी वही चीज़ें। सो सक्सेस की सूरत में और आर्टिकल टाइटल हम यहाँ पर इसको अपेंड कर देते हैं डॉट आर्टिकल, अगर आप शो करना चाह रहे हैं आर्टिकल टाइटल तो यहाँ पर दे सकते हैं। सेव किया इसको और रिडायरेक्ट कर दिया इंडेक्स पर। और इसी तरीके से किसमें मैं ये चेंज कर दिया, मैंने एडिट पर चेंज कर दिया इसको, यहाँ पर हमने ऐड करना है। सो डॉट आर्टिकल टाइटल। सो अब नीचे इसके कोई सेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें या तो पोस्ट मेथड देंगे या डिलीट पास करेंगे। उसके बाद अगर आर्टिकल नहीं मिलता तो ऑटोमेटिकली 404 आएगा, अगर मिल जाता आर्टिकल तो हम इसको
डिलीट कर देते हैं। हाँ, आप यहाँ पर एरर वगैरह शो कर सकते हैं कि अगर फॉर सम रीज़न वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं होता तो आप यहाँ पर एरर रिटर्न करके उसको वापस इंडेक्स पेज पर रिडायरेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। बल्कि इसकी जरूरत यहाँ पर रिटर्न रिडायरेक्ट कर देंगे अगेन इंडेक्स पर और विद दिस रिकॉर्ड अनेबल टू डिलीट योर आर्टिकल। और अब हम इसको रिटर्न करेंगे वापस इंडेक्स पर, क्योंकि वहीं से तो हम डिलीट कर रहे हैं इसको। सो ये बेसिकली दोनों सूरतों में यही काम होगा। इसमें सिर्फ मैसेज चेंज होगा, इसमें अनेबल टू डिलीट है और इसमें सक्सेसफुली डिलीट है। तो ये हमारा डिलीट का फंक्शन है। अब इस डिलीट के फंक्शन को हमने ऐड करना है अपने व्यू में। तो व्यू में हम आएंगे टेम्पलेट्स में, आर्टिकल में और इंडेक्स में, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसको सेम इसी तरीके से जिस तरीके से एडिट वाला है। तो इसको पेस्ट कर देते हैं। अब जो चीज़ डिफरेंस है यहाँ पर आपने गौर करना है कि जो एडिट वाला लिंक है वो गेट रिक्वेस्ट के साथ जाता है, लेकिन जो हमने क्रिएट करना है डिलीट वाला वो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी या डिलीट रिक्वेस्ट होगी, तो उसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो उसके लिए हम कौन सी यूज़ करेंगे टेक्निक, कि सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिस फॉर्म पोस्ट लिंक। सो हम उसको कह रहे हैं कि एक फॉर्म क्रिएट करो विद पोस्ट लिंक और उसके अंदर हम पास करेंगे फंक्शंस। सो कौन कौन से फंक्शन हम पास करेंगे, यहाँ पर मैं इसको मल्टी लाइन कर देता हूँ। और यहाँ पर सबसे पहला है उसका नाम है, सो डिलीट, उसके बाद कॉमा, उसके बाद एक्शन। एक्शन में हम बताएंगे इसको कि डिलीट और कॉमा आर्टिकल स्लग। सो ये हमारे पास एक एक्शन हो जाएगा। उसके बाद होगा कंफर्म, आर यू श्योर, और इसको हम क्लोज कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास है पोस्ट लिंक, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। एक्शन उसका ये हो जाएगा, कंफर्म करेगा आर यू श्योर और वांट टू डिलीट और नॉट। सो यहाँ पर हम आते हैं, इसको रीलोड करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास डिलीट का लिंक आ गया। अगर आप देखें तो यहाँ पर आर्टिकल्स के साथ हमारे पास आर्टिकल स्लग आना चाहिए। इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास पोस्ट लिंक क्रिएट होगा। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑन क्लिक फंक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। इन लाइन आप समझ लें जावास्क्रिप्ट उसने ऐड कर दिया है। सो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डाटा कंफर्म मैसेज के नाम से एक एट्रीब्यूट ऐड हो गया, उसमें आर यू श्योर मैसेज या फिर ऑन क्लिक इफ़ कंफर्म दिस डॉट डाटा सेट डॉट कन्फर्म मैसेज डॉक्यूमेंट डॉट पोस्ट जो भी है उसको सबमिट कर दो और इवेंट डॉट रिटर्न वैल्यू इज इक्वल टू फॉल रिटर्न फॉल्स। ओके, तो यहाँ पर मैं अब डिलीट पे क्लिक करने लगा हूँ तो हमें पॉपअप विंडो आई। ओके, और यहाँ पर कह रहा है कि पब्लिक अनेबल टू फ्यू आर्गूमेंट टू फंक्शन ऐप आर्टिकल कंट्रोलर डिलीट जीरो पास्ट इन। अच्छा, यहाँ पर आई थिंक माई मिस्टेक, आर्टिकल स्लग यहाँ पर आ रहा है। अगर यहाँ पर हम देखें ये क्यों इसने मैसेज, ये एडिट में हमारे पास इसमें भी स्लग नहीं आ रहा, ये क्या चक्कर हुआ? अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा हूँ जिसके टाइटल ही नहीं है। जब उसका टाइटल ही नहीं है तो उसका स्लग कहाँ से होगा? है सॉरी, ये है और ये हमारे पास है आर्टिकल और इसका स्लग एसटीएफ है। तो इसके बाद यहाँ पर हम डिलीट करेंगे एसटीएफ वाले को। ओके, सो मेथड डज नॉट एग्जिस्ट नेम, ये क्या कह रहा है, अलाउड मेथड डज नॉट एग्जिस्ट, और मे बी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी होगी। अलाउड मेथड है, अलाउ मेथड है, अलाउड मेथड आई थिंक मैंने लिख दिया, डिलीट अलाउड मेथड, हाँ सॉरी माई मिस्टेक, अलाउ मेथड है, ये अलाउड मेथड नहीं है, अलाउ मेथड है, सॉरी। कंटिन्यू किया, सो यहाँ पर वो कह रहा है कि आर्टिकल्स इन लाइन नंबर 48, हाँ आर्टिकल्स, देखिए ना स्पेलिंग मिस्टेक वो बता रहा है ये, क्योंकि हम डेवलपमेंट में हैं तो हमें ये प्रॉपरली उसके मैसेज भी दिया। सो योर आर्टिकल हैज़ बिन डिलीटेड सक्सेसफुली एसटीएफ, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो गया। इसको फिर डिलीट करते हैं, ओके किया।
सो योर आर्टिकल हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, दिस इज़ माई फर्स्ट आर्टिकल, केक सी एम एस, उसका टाइटल नहीं शो किया, और क्लिक करने पर वो हाइड हो गया। अब ये है हमारे पास डिलीट, तो हमने क्रेड ऑपरेशन कम्प्लीट कर लिया। अब जो लास्ट स्टेप रह गया, हम ये देखते हैं कि वैलिडेशन क्यों नहीं चल रही, उसको हम फिक्स करते हैं। तो शायद आपने मेरे से पहले नोटिस कर लिया हो, अगर नहीं किया तो मैं बता दूं कि वैलिडेशन के मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं। सो VALIDATION, सो दिस इज़ द वैलिडेशन डिफॉल्ट, तो मैंने वैलिडेशन लिख दिया था, सो दैट्स फाइन नाउ, वैलिडेशन अब वो वैलिडेशन करेगा, और जो वो रिकॉर्ड डमी ये वाला, इसको हम डेटाबेस में से रिमूव कर सकते हैं, नथिंग सो मच डिफिकल्ट। सो एड न्यू अनदर और तीन लाइंस और सेव। सो अनएबल टू एड योर आर्टिकल, सो द प्रोवाइडेड वैल्यू इज़ इनवैलिड, द प्रोवाइडेड वैल्यू इज़ इनवैलिड, सो इट मीन्स हमारी वैलिडेशन सही से काम कर रही है। अगर मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ, इसको भी एम्प्टी करता हूँ और सेव करता हूँ आर्टिकल, सो द फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, सो दिस इज अनदर आर्टिकल, और उसके बाद अगेन सेव करता हूँ तो दिस फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, सो दिस इज अनदर बॉडी ऑफ द अनदर आर्टिकल, अनदर आर्टिकल, और इसके बाद डॉट, फुल स्टॉप, सेव। तो हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली दिस इज अनदर आर्टिकल के नाम से सेव हो गया। अब हम उसको एडिट और डिलीट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्रेड ऑपरेशन यूजिंग केक PHP 4। तो दोस्तों ये था हमारा आज का केक PHP 4 का क्रैश कोर्स, जिसमें हमने कम्प्लीटली क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखा विद वैलिडेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा या क्रैश कोर्स पसंद आया होगा, और आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर चुके होंगे। और अब मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस क्रैश कोर्स, टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।